नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे रावण फिल्म के बारे में। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि अगर आपको ऐसी ही फिल्मों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो चाहिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको जानने हैं, इनकी कमाई के बारे में जानना है और ये जानना है कि इस फिल्म में क्या नया है और क्या पुराना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। रावण एक 2011 की भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी और निर्देशित की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं और एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन सुपर हीरो के रूप में हैं। यहाँ पर दो कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे शाहरुख खान के। एक तो कैरेक्टर होगा जो कि कोई गेम डेवलपर है, उसका रोल निभा रहे हैं यहाँ पर शाहरुख खान, और एक होगा जीवन जो कि हमारे यहाँ पर मेन सुपर हीरो हैं इस फिल्म में। फिल्म में रावण के रूप में है अर्जुन रामपाल और फिल्म में करीना कपूर और अरमान वर्मा भी हैं। या साथ ही साथ आपको इस फिल्म में छोटी सी झलक चिट्ठी की भी देखने को मिलेगी। चिट्ठी द रोबो याद तो होगा ही आप लोगों को, वो भी आपको यहाँ पर इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं। रजनीकांत का ये छोटा सा ही रोल है जो इस फिल्म में लिया गया है, उनका कोई कैरेक्टर यहाँ पर नहीं बनाया गया, बस एक छोटी सी झलक उनकी आपको इसमें देखने को मिलेगी। छोटी सी थोड़ी सी देर के लिए वो यहाँ पर इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे। शहना गोस्वामी, दलीप तहिल और चीनी अमेरिका अभिनेता टॉम वू समर्थन भूमिका में दिखाई देते हैं। रजनीकांत, संजय दत्त और प्रियंका चोपड़ा अतिथि भूमिका में दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको संजय दत्त और प्रियंका चोपड़ा, ये दोनों ही जो कैरेक्टर हैं, और साथ ही साथ रजनीकांत, इन तीनों का ही जो कैरेक्टर है वो आपको थोड़ी देर के लिए देखने को मिलेगा। बस ये कहानी का ऐसे समझ सकते हैं कि एक छोटा सा पार्ट है। जैसे जैसे हम कहानी में आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन हाँ, उनका कोई मेन कैरेक्टर नहीं है या फिर सपोर्टिव कैरेक्टर यहाँ पर कोई प्ले नहीं किया है उन्होंने ऑफिशियली, वो सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करें इस फिल्म के निर्देशक की यानी कि डायरेक्टर, तो वो है अनुभव सिन्हा, और यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है वो है गौरी खान। अब ये पॉइंट टू बी नोटेड है क्योंकि यहाँ पर गौरी खान ने इसको प्रोड्यूस किया है, दैट मीन्स ये शाहरुख खान से ही रिलेटेड मूवी है, या फिर आप कह सकते हैं कि शाहरुख खान ने ही इस मूवी को बनाया है, ऑफिशियली नहीं लेकिन अनऑफिशियली तो बनाया ही है। अगर बात करें इसके लेखक की, तो अनुभव सिन्हा ने ही इस फिल्म को लिखा भी है, यानी कि राइटिंग भी इन्होंने ही की है। लेकिन अगर बात करें इसके स्क्रीन प्ले की, पटकथा जो लिखी गई है यानी कि डायलॉग बाय डायलॉग, अब देखिए यहाँ पर जो लेखन है वो है सिर्फ कि कहानी कैसी होने वाली है, स्टार्ट कैसा होगा, एंड कैसा होगा, बीच में क्या होने वाला है, यानी कि मोटी मोटी जो बातें हैं वो तो सब अनुभव सिन्हा ने अकेले ही डिसाइड कर ली। लेकिन जो पटकथा है, स्क्रीन प्ले है, यानी कि डायलॉग किसका कैसा होगा, किस सीन में क्या होने वाला है, वो सब जो है एकदम डिटेल में जो भी लिखा जाता है फिल्म के लिए, वो सब जो लिखा गया है वो लिखा गया है अनुभव सिन्हा, साथ ही साथ कनिका ढिल्लो और मुश्ताक शेख और डेविड बेनुला, इन चारों ने इसको मिलाकर, मतलब इन चारों ने मिलकर इस फिल्म की जो स्क्रीन प्ले है उसको लिखा है। अब इस फिल्म में अभिनेता, जैसे कि मैंने आपको बताया, शाहरुख खान, करीना कपूर, अर्जुन रामपाल, अरमान वर्मा, सहाना गोस्वामी और टॉम वू हैं। अगर बात करें इस फिल्म में संगीत किसने लिखा है, संगीत किसने दिया है, तो वो हैं विशाल एंड शिखर, दोनों ने, ये दोनों अलग अलग हैं। एंड अगर बात करें छायाकार की, तो निकोला पेकोरिनी और वी मणिकंदन, ये यहाँ पर छायाकार हैं, और बाकी तो सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता ही होगी। अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे पर कि इस फिल्म का टोटल बजट कितना था, कितने बजट में आखिरकार ये फिल्म बनाई गई। क्योंकि अगर आप देखेंगे इस फिल्म को, तो इस फिल्म में आपको एकदम एक्शन भरपूर मिलने वाला है। साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भारत की जो फिल्में हैं उसमें भी विजुअल इफेक्ट्स, VFX क्या गजब का यूज हो सकता है। और इन माई व्यूज की ये जो फिल्म है ना, वो काफी दमदार,
हाँ थोड़ी बहुत जो है इसमें और मसाला ऐड किया जा सकता था, थोड़ी और कहानी इसमें ऐड की जा सकती थी, थोड़ा और पेचीदा इसको बनाया जा सकता था, लेकिन बस उसी की कमी रही है। अदरवाइज सब कुछ अच्छा मुझे इसमें लगा कि इसमें जितना भी VFX वाला काम है, जितने भी विजुअल इफेक्ट्स हैं वो एकदम धासु हैं, जिसको कहते हैं एकदम धासु लेवल के इसमें VFX डाले गए हैं। साथ ही साथ इसमें जो भी डिजाइनिंग की गई है कॉस्ट्यूम से लेकर एनवायरनमेंट की, क्योंकि गेमिंग यहाँ पर आपको गेमिंग वाला जो एनवायरनमेंट है वो देखने को मिलेगा जब गेम डेवलप होता है, वो वाला एनवायरनमेंट भी, और क्योंकि बाद में जो है सब कुछ जो चलता है वो गेम के इर्द गिर्द ही चलता है, और लास्ट में जो एंडिंग होती है वो भी गेम में ही होती है, या आप कह सकते हैं कि गेम से रिलेशन है उसका भी, कहानी में हम इसकी बात करेंगे। तो वहां पर भी जो एनवायरनमेंट है वो डिजाइन किया गया है एक बेहतरीन लेवल तक, मतलब एक नेक्स्ट लेवल, जो उसमें लिखा है ना इसके पोस्टर में द नेक्स्ट लेवल, तो वही नेक्स्ट लेवल इसमें दिखाया भी गया है, तो काफी अच्छा काम किया गया है। तो इस चीज को देखते हुए इसमें 130 से लेकर 150 करोड़ तक का बजट आया था, एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि काउंट नहीं हो सकती, कुछ ऐसे काम होते हैं इसमें जैसे कि आप समझ सकते हैं कि छोटे मोटे जो काम होते हैं जो कि काउंट नहीं होते बजट में और वो खर्च भी हो जाते हैं प्रोड्यूसर के, तो एक अंदाजा ही लगाया जाता है, कुछ चीजों का हिसाब होता है इनके पास कि कितना इन्होंने खर्च किया था। तो 130 से 150 करोड़ तक का इनका जो बजट था वो आया था इस फिल्म में, लागत इसमें आई थी। और अगर बात करें इसके कुल कारोबार की तो इसने 200 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो फिल्म है ना, इस फिल्म ने जो मतलब पूरे वर्ल्ड में जो रिलीज होती हैं बॉलीवुड मूवीज, उन मूवीज में इस फिल्म का जो नाम है वो सेकंड नंबर पे था, यानी कि इसने काफी अच्छा जो है रेस्पॉन्स कमाया था वर्ल्ड वाइड भी। बट एक कहीं ना कहीं ड्रॉबैक इस फिल्म का ये रहा कि इसमें जो है जो कमाई की जा सकती थी, इससे कमाई करने की उम्मीद की गई थी, वो शायद यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि जो इसमें प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर को सिर्फ कितना फायदा हुआ आप देख सकते हैं, 150 करोड़ का उसमें बजट आ गया और 200 से ऊपर की ही इसने कमाई की, यानी कि लगभग 50 से 60 करोड़ का ही इसमें इन्होंने प्रॉफिट कमाया है। और जो स्पॉन्सर्स हैं उनको काफी नुकसान रहा, कुछ स्पॉन्सर्स का अलग होता है कॉन्ट्रैक्ट की अगर इतने करोड़ से ऊपर जाएगी तो, मतलब अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो कुछ स्पॉन्सर्स का जो है इसमें नुकसान रहा है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो 200 करोड़ से ऊपर इसने कमाई की है, दैट मींस कि इसमें कुछ ना कुछ तो दम था। बट हाँ, उतना लेवल तक ये नहीं बना पाए जैसे कि मैंने कहा कि इसमें मसाला ऐड किया जा सकता था, जैसे कि आप देखते हैं हॉलीवुड मूवीज में लाइक एवेंजर्स, तो उसमें मतलब वैसे तो वो काफी हाई लेवल की मूवीज है इसके मुकाबले, बट अगर देखा जाए तो उसमें काफी मसाला होता है, मतलब एक एक सीन को पकड़ते हैं कि हाँ यार इससे सीन से क्या निकल के आ सकता है। दैट मीन्स कि वो जो बनाने वाले हैं फिल्म को वो काफी सोचते हैं, हर एक सीन को लिखने से पहले वो काफी सोचते हैं कि इस सीन को हम कहाँ पे आगे नेक्स्ट वाली मूवी में कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इस फिल्म में हम मसाला डाल सकते हैं, कैसे इस सीन में हम मसाला डाल सकते हैं। तो वो सब चीजें जो है वो देखनी चाहिए थी इस फिल्म को बनाने से पहले भी, अगर वो इस चीज को देखते तो शायद इस फिल्म की जो सीरीज है वो आगे भी आ सकती थी, बट क्योंकि वो इतना नहीं कमा पाई तो इसकी जो आने के चांसेस हैं नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो आने के चांसेस कम है। हालांकि इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट में जो प्रतीक है, प्रतीक यहाँ पर कैरेक्टर है उस बच्चे का जो कि शाहरुख खान का बेटा है, जो लास्ट में जी जाता है इस गेम को, बेसिकली उसके आसपास ही ये कहानी घूमती हुई है, तो उसका एक सीन आता है जो कि ये दिखाता है कि हाँ सेकेंड पार्ट बनाने का इरादा तो था डायरेक्टर का और राइटर का भी, बट क्योंकि वो सक्सेस इसको नहीं मिल पाई इस मूवी को, इस कारण से इस मूवी का जो सेकंड पार्ट है शायद वो लेट हो रहा है या फिर बनाने की जो उम्मीद है वो इन्होंने छोड़ दी है। अगर बात करें इस फिल्म की रेटिंग्स की तो IMDB पर इसकी जो रेटिंग है वो है 4.7 आउट ऑफ 10, यानी कि 10 में से इसको 4.7 स्टार ही मिले हैं, करीबन 4.5 या फिर 4.25 स्टार इसको मिले हैं आउट ऑफ 10, तो जो कि इतना अच्छा, काफी मतलब इतना अच्छा स्कोर मैं नहीं कहूंगा कि है, और आपको भी पता है कि ये नहीं है, 50% से भी कम है, 47% ही लोगों ने ये इसको अच्छा बताया है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। बट इन माई व्यूज अगर मैं कहना चाहूंगा मैं कैसे इस फिल्म को देखता हूँ, तो
इस फिल्म में जो है मुझे जो सबसे बेस्ट चीज लगी थी वो था VFX। मैं दोबारा से कहूंगा कि इसमें जो VFX में जो अचीवमेंट है फिल्म मेकर्स का वो काफी अच्छे लेवल तक हुआ है। उन्होंने कोशिश की है कि वो हॉलीवुड को टक्कर दे सकें VFX के मामले में, मैं तो यही कहूंगा। अब देखिए अलग अलग व्यूज हो सकते हैं सभी के, आपका व्यूज कुछ अलग होगा, अपने व्यूज भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, बट मेरा तो यही व्यू है कि इस फिल्म में जो VFX का लेवल है वो काफी अप किया गया है। लेकिन बस कमी जो रही है वो रही है अच्छी राइटिंग की। राइटिंग कंसेप्ट इसमें अच्छा है, काफी प्लॉट काफी अच्छा है, जिसको कहेंगे कि प्लॉट काफी अच्छा है, लेकिन स्क्रीन प्ले में कुछ और ऐड किया जा सकता था जिससे कि ये फिल्म कुछ और मजेदार बन सकती थी। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसमें ऐसा हो सकता था कि जो फाइटिंग है वो इतनी आसान ना होती जैसा कि इसमें रखा गया है। आपको अगर मैं बताऊं तो इस फिल्म में होता क्या है बेसिकली कि जो शाहरुख खान है, शाहरुख खान का जो पहला कैरेक्टर है जो कि एक गेम डेवलपर है, वो एक गेम बनाता है और वो जो गेम है वो काफी ज्यादा मेहनत से अपने बच्चे को गिफ्ट करने के लिए बनाता है। और लेकिन उसके जो बच्चे की इच्छा होती है वो ये होती है कि वो एक ऐसा गेम बनाए जिसमें जो विलन है वो काफी ताकतवर हो, वो हीरो से भी ज्यादा ताकतवर हो, ये उसकी इच्छा होती है। इसलिए जो शाहरुख खान है वो काफी अच्छे लेवल का विलन यहाँ पर तैयार करते हैं इन कंपैरिजन टू हीरो। तो इस कारण से जिससे कि वो उस अपने बच्चे को इंप्रेस कर पाए या उसको खुश कर पाए, क्योंकि जो उनका लड़का होता है वो उसको इज्जत नहीं देता, मतलब शाहरुख खान को इतनी इज्जत नहीं देता, ना ही उनको कुछ मानता है, तो इसके कारण से वो उसकी नजरों में अच्छा बनना चाहते हैं, इसी कारण से वो विलन को काफी ताकतवर बनाते हैं और हीरो को कहीं ना कहीं थोड़ा सा लो बनाते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे कि जो फाइट है वो काफी टक्कर की हो जाए, यानी कि एक तरफा मुकाबला फिर भी ना हो। जो हीरो है वो बिल्कुल ही कमजोर नहीं बनाया उन्होंने, हाँ कुछ पावर्स के मामले में कमजोर बना देते हैं। फिर होता ये है कि एक दिन कुछ वहां पर उनके स्टूडियो में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आता है जिसके कारण से जो क्योंकि वहां पर लूसीफर गेम खेलता रहता है, वो जो लूसीफर है उसका नाम, जो वो लड़का है शाहरुख खान का, तो जो लूसीफर है वो गेम खेलता रहता है, उस गेम से वो बाहर उस गेम को खेलते खेलते वो जो है चला जाता है, वो गेम अधूरा छोड़ के चला जाता है, उसी चक्कर में कोई फॉल्ट होता है उसी टाइम पे और वहां से जो रावण है, गेम से जो रावण है वो बाहर आ जाता है, यानी कि विलन जो है वो बाहर आ जाता है और वो चाहता है कि मैं लूसीफर को मार दूं। लूसीफर को मारने के चक्कर में वो इधर उधर ढूंढता है, जो वहां पर स्टूडियो में मौजूद लोग होते हैं, गेम डेवलपर्स होते हैं, उनको भी एक दो को उनको भी मार देता है, फिर बाद में आकर शाहरुख खान को भी मार देता है, उसके लूसीफर के पापा को भी वो मार देता है। तो इस कारण से जैसे ये जो कहानी है वो चलती रहती है, फिर जीवन की एंट्री होती है, जीवन फिर गेम से बाहर आता है क्योंकि जो रावण है वो भी बाहर आ चुका है और वो तबाही मचा रहा है, जीवन का काम ही है कि उसको रोके, तो इसलिए गेम के अकॉर्डिंग, गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग वो बाहर आ जाता है। और कमाल की बात यह है कि रियल वर्ल्ड में भी जो गेम वाला जो रूल है, जो गेम्स के रूल है वो चलते रहते हैं, जो रूल्स गेम के अंदर बनाए गए थे वही रूल्स यहाँ पर भी बाहर भी फॉलो होते हैं। दैट मीन्स कि जीवन के पास कितनी ताकत होगी वो सब कुछ, जीवन कैसा बिहेव करेगा वो सब कुछ, वो सब यहाँ पर फॉलो होता है। साथ ही साथ जो रावण का बिहेवियर है वो भी वही यहाँ पे फॉलो होता है, जैसे कि रावण जो है अपना रूप बदल लेता है, और क्योंकि रावण रूप बदल लेता है इसी कारण से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी छवि संजय दत्त की भी और प्रियंका चोपड़ा की भी, तो ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। लास्ट में क्या होता है कि लास्ट में कुछ फाइटिंग सीन होते हैं, कुछ बीच बीच में ढूंढते रहता है रावण, ढूंढता रहता है जीवन को भी और लूसीफर को भी, लूसीफर को मारने की कोशिश करता है, बाद में फाइट होती है रावण और जीवन के बीच में, और उसमें लूसीफर जो है कंट्रोल करता है जीवन को, क्योंकि गेम का एक रूल होता है कि जो जीवन है उसको कंट्रोल करने के लिए एक सूट पहनना होगा और तब गेम खेलेगा, जो भी खेलने वाला होगा, जो भी यूजर होगा जो गेम खेलता है वो उसको तभी खेल पाएगा। तो ऐसा कुछ सीन होता है लास्ट में जो है कुछ भी करके जो है लूसीफर वो जीत जाता है और कहानी एंड हो जाती है। लेकिन लास्ट में एक सीन दिखाया गया है कि लूसीफर जो है हार्ट, जो जीवन का हार्ट था, क्योंकि वो टेक्निकल एक रोबोट है, टेक्निकली एक रोबोट था जो जीवन है, तो उसका जो हार्ट था एक मान लीजिए कि एक तरीके से CPU था, तो उस CPU को जैसे कि आयरन मैन में वो एक बीच में होता है ना मिडल में आर्क रिएक्टर, ऐसे ही सेम वहां पर भी था।
तो हार्ट को रिवाइव करने की वो कोशिश करता है और वो एट लास्ट रिवाइव भी कर लेता है, जो कि सेकंड पार्ट के लिए छोड़ा गया है मेरे हिसाब से बाय द डायरेक्टर, बट शायद सेकंड पार्ट आपको ना ही देखने को मिले। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि अगर आपको ऐसी ही फिल्मों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो चाहिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको जानने हैं, इनकी कमाई के बारे में जानना है और ये जानना है कि इस फिल्म में क्या नया है और क्या पुराना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। रावण एक 2011 की भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी और निर्देशित की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं और एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन सुपर हीरो के रूप में हैं। यहाँ पर दो कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे शाहरुख खान के, एक तो कैरेक्टर होगा जो कि कोई गेम डेवलपर है, उसका रोल निभा रहे हैं यहाँ पर शाहरुख खान, और एक होगा जीवन जो कि हमारे यहाँ पर मेन सुपर हीरो है इस फिल्म में। फिल्म में रावण के रूप में है अर्जुन रामपाल और फिल्म में करीना कपूर और अरमान वर्मा भी हैं। या साथ ही साथ आपको इस फिल्म में छोटी सी झलक चिट्ठी की भी देखने को मिलेगी। चिट्ठी का रोबो याद तो होगा ही आप लोगों को, वो भी आपको यहाँ पर इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं। रजनीकांत का ये छोटा सा ही रोल है जो इस फिल्म में लिया गया है, उनका कोई कैरेक्टर यहाँ पर नहीं बनाया गया, बस एक छोटी सी झलक उनकी आपको इसमें देखने को मिलेगी, छोटी सी थोड़ी सी देर के लिए वो यहाँ पर इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे। शहना गोस्वामी, दलीप तहिल और चीनी अमेरिका अभिनेता टॉम वू समर्थन भूमिका में दिखाई देते हैं। रजनीकांत, संजय दत्त और प्रियंका चोपड़ा अतिथि भूमिका में दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको संजय दत्त और प्रियंका चोपड़ा, ये दोनों ही जो कैरेक्टर हैं और साथ ही साथ रजनीकांत, इन तीनों का ही जो कैरेक्टर है वो आपको थोड़ी देर के लिए देखने को मिलेगा। बस ये कहानी का ऐसे समझ सकते हैं कि छोटा सा पार्ट है। जैसे जैसे हम कहानी में आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन हाँ उनका कोई मेन कैरेक्टर नहीं है या फिर सपोर्टिव कैरेक्टर यहाँ पर कोई प्ले नहीं किया है उन्होंने ऑफिशियली, वो सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करें इस फिल्म के निर्देशक की यानी कि डायरेक्टर, तो वो है अनुभव सिन्हा और यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है वो है गौरी खान। अब ये पॉइंट टू बी नोटेड है क्योंकि यहाँ पर गौरी खान ने इसको प्रोड्यूस किया है, दैट मीन्स ये शाहरुख खान से ही रिलेटेड मूवी है, या फिर आप कह सकते हैं कि शाहरुख खान ने ही इस मूवी को बनाया है, ऑफिशियली नहीं लेकिन अनऑफिशियली तो बनाया ही है। अगर बात करें इसके लेखक की तो अनुभव सिन्हा ने ही इस फिल्म को लिखा भी है, यानी कि राइटिंग भी इन्होंने ही की है। लेकिन अगर बात करें इसके स्क्रीन प्ले की, पटकथा जो लिखी गई है यानी कि डायलॉग बाय डायलॉग, अब देखिए यहाँ पर जो लेखन है वो है सिर्फ कि कहानी कैसी होने वाली है, स्टार्ट कैसा होगा, एंड कैसा होगा, बीच में क्या होने वाला है, यानी कि मोटी मोटी जो बातें हैं वो तो सब अनुभव सिन्हा ने अकेले ही डिसाइड कर ली, लेकिन जो पटकथा है, स्क्रीन प्ले है, यानी कि डायलॉग किसका कैसा होगा, किस सीन में क्या होने वाला है, वो सब जो है एकदम डिटेल में जो भी लिखा जाता है फिल्म के लिए, वो सब जो लिखा गया है वो लिखा गया है अनुभव सिन्हा, साथ ही साथ कनिका ढिल्लो और मुश्ताक शेख और डेविड बेनुलव, इन चारों ने इसको मिलाकर, मतलब इन चारों ने मिलकर इस फिल्म की जो स्क्रीन प्ले है उसको लिखा है। अब इस फिल्म में अभिनेता, जैसे कि मैंने आपको बताया, शाहरुख खान, करीना कपूर, अर्जुन रामपाल, अरमान वर्मा, सहाना गोस्वामी और टॉम वू हैं। अगर बात करें इस फिल्म में संगीत किसने लिखा है, संगीत किसने दिया है, तो वो हैं विशाल एंड शिखर, दोनों ने, ये दोनों अलग अलग हैं। एंड अगर बात करें छायाकार की तो निकोला पेकोरिनी और वी मणिकंदन, ये यहाँ पर छायाकार हैं और बाकी तो सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता ही होगी। अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे पर कि इस फिल्म का टोटल बजट कितना था, कितने बजट में आखिरकार ये फिल्म बनाई गई, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस फिल्म को तो इस फिल्म में आपको एकदम एक्शन भरपूर मिलने वाला है। साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भारत की जो फिल्में हैं उसमें भी विजुअल इफेक्ट्स, VFX क्या गजब का यूज हो सकता है। और इन माई व्यूज की ये जो फिल्म है ना वो काफी दमदार है,
हाँ थोड़ी बहुत जो है इसमें और मसाला ऐड किया जा सकता था, थोड़ी और कहानी इसमें ऐड की जा सकती थी, थोड़ा और पेचीदा इसको बनाया जा सकता था, लेकिन बस उसी की कमी रही है। अदरवाइज सब कुछ अच्छा मुझे इसमें लगा कि इसमें जितना भी VFX वाला काम है, जितने भी विजुअल इफेक्ट्स हैं वो एकदम धासु हैं, जिसको कहते हैं ना एकदम धासु लेवल के इसमें VFX डाले गए हैं। साथ ही साथ इसमें जो भी डिजाइनिंग की गई है कॉस्ट्यूम से लेकर एनवायरनमेंट की, क्योंकि गेमिंग यहाँ पर आपको गेमिंग वाला जो एनवायरनमेंट है वो देखने को मिलेगा जब गेम डेवलप होता है, वो वाला एनवायरनमेंट भी, और क्योंकि बाद में जो है सब कुछ जो चलता है वो गेम के इर्द गिर्द ही चलता है, और लास्ट में जो एंडिंग होती है वो भी गेम में ही होती है, या आप कह सकते हैं कि गेम से रिलेशन है उसका भी, कहानी में हम इसकी बात करेंगे। तो वहां पर भी जो एनवायरनमेंट है वो डिजाइन किया गया है एक बेहतरीन लेवल तक, मतलब एक नेक्स्ट लेवल जो उसमें लिखा है ना इसके पोस्टर में द नेक्स्ट लेवल, तो वही नेक्स्ट लेवल इसमें दिखाया भी गया है, तो काफी अच्छा काम किया गया है। तो इस चीज को देखते हुए इसमें 130 से लेकर 150 करोड़ तक का बजट आया था। एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि काउंट नहीं हो सकती, कुछ ऐसे काम होते हैं इसमें जैसे कि आप समझ सकते हैं कि छोटे मोटे जो काम होते हैं जो कि काउंट नहीं होते बजट में, और वो खर्च भी हो जाते हैं प्रोड्यूसर के, तो एक अंदाजा ही लगाया जाता है, कुछ चीजों का हिसाब होता है इनके पास कि कितना इन्होंने खर्च किया था। तो 130 से 150 करोड़ तक का इनका जो बजट था वो आया था इस फिल्म में, लागत इसमें आई थी। और अगर बात करें इसके कुल कारोबार की तो इसने 200 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो फिल्म है ना, इस फिल्म ने जो मतलब पूरे पूरे वर्ल्ड में जो रिलीज होती हैं बॉलीवुड मूवीज, उन मूवीज में इस फिल्म का जो नाम है वो सेकंड नंबर पे था, यानी कि इसने काफी अच्छा जो है रेस्पॉन्स कमाया था वर्ल्ड वाइड भी। बट एक कहीं ना कहीं ड्रॉबैक इस फिल्म का ये रहा कि इसमें जो है जो कमाई की जा सकती थी, इससे कमाई करने की उम्मीद की गई थी, वो शायद यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि जो इसमें प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर को सिर्फ कितना फायदा हुआ आप देख सकते हैं, 150 करोड़ का उसमें बजट आ गया और 200 से ऊपर की ही इसने कमाई की, यानी कि लगभग 50 से 60 करोड़ का ही इसमें इन्होंने प्रॉफिट कमाया है। और जो स्पॉन्सर्स हैं उनको काफी नुकसान रहा, कुछ स्पॉन्सर्स का अलग होता है कॉन्ट्रैक्ट की अगर इतने करोड़ से ऊपर जाएगी तो, मतलब अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो कुछ स्पॉन्सर्स का जो है इसमें नुकसान रहा है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो 200 करोड़ से ऊपर इसने कमाई की है, दैट मीन्स कि इसमें कुछ ना कुछ तो दम था। बट हाँ उतना लेवल तक ही नहीं बना पाया जैसे कि मैंने कहा कि इसमें मसाला ऐड किया जा सकता था, जैसे कि आप देखते हैं हॉलीवुड मूवीज में लाइक एवेंजर्स, तो उसमें मतलब वैसे तो वो काफी हाई लेवल की मूवीज है इसके मुकाबले, बट अगर देखा जाए तो उसमें काफी मसाला होता है, मतलब एक एक सीन को पकड़ते हैं कि हाँ यार इससे सीन से क्या निकल के आ सकता है, दैट मीन्स कि वो जो बनाने वाले हैं फिल्म को वो काफी सोचते हैं, हर एक सीन को लिखने से पहले वो काफी सोचते हैं कि इस सीन को हम कहाँ पे आगे नेक्स्ट वाली मूवी में कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इस फिल्म में हम मसाला डाल सकते हैं, कैसे इस सीन में हम मसाला डाल सकते हैं। तो वो सब चीजें जो है वो देखनी चाहिए थी इस फिल्म को बनाने से पहले भी, अगर वो इस चीज को देखते तो शायद इस फिल्म की जो सीरीज है वो आगे भी आ सकती थी, बट क्योंकि वो इतना नहीं कमा पाई तो इसकी जो आने के चांसेस है नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो आने के चांसेस कम है। हालांकि इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट में जो प्रतीक है, प्रतीक यहाँ पर कैरेक्टर है उस बच्चे का जो कि शाहरुख खान का बेटा है, जो लास्ट में जीत जाता है इस गेम को, बेसिकली उसके आसपास ही कहानी घूमती हुई है, तो उसका एक सीन आता है जो कि ये दिखाता है कि हाँ सेकेंड पार्ट बनाने का इरादा तो था डायरेक्टर का और राइटर का भी, बट क्योंकि वो सक्सेस इसको नहीं मिल पाई इस मूवी को, इस कारण से इस मूवी का जो सेकंड पार्ट है शायद वो लेट हो रहा है या फिर बनाने की जो उम्मीद है वो इन्होंने छोड़ दी है। अगर बात करें इस फिल्म की रेटिंग्स की तो IMDB पर इसकी जो रेटिंग है वो है 4.7 आउट ऑफ 10, यानी कि 10 में से इसको 4.7 स्टार ही मिले हैं, करीबन करीबन 4.5 या फिर 4.75 स्टार इसको मिले हैं आउट ऑफ 10, तो जो कि इतना अच्छा, काफी मतलब इतना अच्छा स्कोर मैं नहीं कहूंगा कि है, और आपको भी पता है कि ये नहीं है, 50% से भी कम है, 47% ही लोगों ने ये इसको अच्छा बताया है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। बट इन माई व्यूज अगर मैं कहना चाहूंगा मैं कैसे इस फिल्म को देखता हूँ, तो
इस फिल्म में जो है मुझे जो सबसे बेस्ट चीज लगी थी वो था VFX। मैं दोबारा से कहूंगा कि इसमें जो VFX में जो अचीवमेंट है फिल्म मेकर्स का वो काफी अच्छे लेवल तक हुआ है। उन्होंने कोशिश की है कि वो हॉलीवुड को टक्कर दे सकें VFX के मामले में, मैं तो यही कहूंगा। अब देखिए अलग अलग व्यूज हो सकते हैं सभी के, आपका व्यूज कुछ अलग होगा, अपने व्यूज भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, बट मेरा तो यही व्यू है कि इस फिल्म में जो VFX का लेवल है वो काफी अप किया गया है। लेकिन बस कमी जो रही है वो रही है अच्छी राइटिंग की। राइटिंग कंसेप्ट इसमें अच्छा है, काफी प्लॉट काफी अच्छा है, जिसको कहेंगे कि प्लॉट काफी अच्छा है, लेकिन स्क्रीन प्ले में कुछ और ऐड किया जा सकता था जिससे कि ये फिल्म कुछ और मजेदार बन सकती थी। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसमें ऐसा हो सकता था कि जो फाइटिंग है वो इतनी आसान ना होती जैसा कि इसमें रखा गया है। आपको अगर मैं बताऊं तो इस फिल्म में होता क्या है बेसिकली कि जो शाहरुख खान है, शाहरुख खान का जो पहला कैरेक्टर है जो कि एक गेम डेवलपर है, वो एक गेम बनाता है और वो जो गेम है वो काफी ज्यादा मेहनत से अपने बच्चे को गिफ्ट करने के लिए बनाता है। और लेकिन उसके जो बच्चे की इच्छा होती है वो ये होती है कि वो एक ऐसा गेम बनाए जिसमें जो विलन है वो काफी ताकतवर हो, वो हीरो से भी ज्यादा ताकतवर हो, ये उसकी इच्छा होती है। इसलिए जो शाहरुख खान है वो काफी अच्छे लेवल का विलन यहाँ पर तैयार करते हैं इन कंपैरिजन टू हीरो। तो इस कारण से जिससे कि वो उस अपने बच्चे को इंप्रेस कर पाए या उसको खुश कर पाए, क्योंकि जो उनका लड़का होता है वो उसको इज्जत नहीं देता, मतलब शाहरुख खान को इतनी इज्जत नहीं देता, ना ही उनको कुछ मानता है, तो इसके कारण से वो उसकी नजरों में अच्छा बनना चाहते हैं, इसी कारण से वो विलन को काफी ताकतवर बनाते हैं और हीरो को कहीं ना कहीं थोड़ा सा लो बनाते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे कि जो फाइट है वो काफी टक्कर की हो जाए, यानी कि एक तरफा मुकाबला फिर भी ना हो। जो हीरो है वो बिल्कुल ही कमजोर नहीं बनाया उन्होंने, हाँ कुछ पावर्स के मामले में कमजोर बना देते हैं। फिर होता ये है कि एक दिन कुछ वहां पर उनके स्टूडियो में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आता है जिसके कारण से जो क्योंकि वहां पर लूसीफर गेम खेलता रहता है, वो जो लूसीफर है उसका नाम, जो वो लड़का है शाहरुख खान का, तो जो लूसीफर है वो गेम खेलता रहता है, उस गेम से वो बाहर उस गेम को खेलते खेलते वो जो है चला जाता है, वो गेम अधूरा छोड़ के चला जाता है, उसी चक्कर में कोई फॉल्ट होता है उसी टाइम पे और वहां से जो रावण है, गेम से जो रावण है वो बाहर आ जाता है, यानी कि विलन जो है वो बाहर आ जाता है, वो चाहता है कि मैं लूसीफर को मार दूं। लूसीफर को मारने के चक्कर में वो इधर उधर ढूंढता है, जो वहां पर स्टूडियो में मौजूद लोग होते हैं, गेम डेवलपर्स होते हैं, उनको भी एक दो को उनको भी मार देता है, फिर बाद में आकर शाहरुख खान को भी मार देता है, उसके लूसीफर के पापा को भी वो मार देता है। तो इस कारण से जैसे ये जो कहानी है वो चलती रहती है, फिर जीवन की एंट्री होती है, जीवन फिर गेम से बाहर आता है क्योंकि जो रावण है वो भी बाहर आ चुका है और वो तबाही मचा रहा है, जीवन का काम ही है कि उसको रोके, तो इसलिए गेम के अकॉर्डिंग, गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग वो बाहर आ जाता है। और कमाल की बात यह है कि रियल वर्ल्ड में भी जो गेम वाला जो रूल है, जो गेम्स के रूल है वो चलते रहते हैं, जो रूल्स गेम के अंदर बनाए गए थे वही रूल्स यहाँ पर भी बाहर भी फॉलो होते हैं। दैट मीन्स कि जीवन के पास कितनी ताकत होगी वो सब कुछ, जीवन कैसा बिहेव करेगा वो सब कुछ, वो सब यहाँ पर फॉलो होता है। साथ ही साथ जो रावण का बिहेवियर है वो भी वही यहाँ पे फॉलो होता है, जैसे कि रावण जो है अपना रूप बदल लेता है, और क्योंकि रावण रूप बदल लेता है इसी कारण से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी छवि संजय दत्त की भी और प्रियंका चोपड़ा की भी, तो ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। लास्ट में क्या होता है कि लास्ट में कुछ फाइटिंग सीन होते हैं, कुछ बीच बीच में ढूंढते रहता है रावण, ढूंढता रहता है जीवन को भी और लूसीफर को भी, लूसीफर को मारने की कोशिश करता है, बाद में फाइट होती है रावण और जीवन के बीच में, और उसमें लूसीफर जो है कंट्रोल करता है जीवन को, क्योंकि गेम का एक रूल होता है कि जो जीवन है उसको कंट्रोल करने के लिए एक सूट पहनना होगा और तब गेम खेलेगा, जो भी खेलने वाला होगा, जो भी यूजर होगा जो गेम खेलता है वो उसको तभी खेल पाएगा। तो ऐसा कुछ सीन होता है लास्ट में जो है कुछ भी करके जो है लूसीफर वो जीत जाता है और कहानी एंड हो जाती है। लेकिन लास्ट में एक सीन दिखाया गया है कि लूसीफर जो है हार्ट, जो जीवन का हार्ट था, क्योंकि वो टेक्निकल एक रोबोट है, टेक्निकली एक रोबोट था जो जीवन है, तो उसका जो हार्ट था एक, मान लीजिए कि एक तरीके से CPU था, तो उस CPU को जैसे कि आयरन मैन में वो एक बीच में होता है ना, मिडल में आर्क रिएक्टर, ऐसे ही सेम वहां पर भी था।
तो हार्ट को रिवाइव करने की वो कोशिश करता है और वो एट लास्ट रिवाइव भी कर लेता है, जो कि सेकंड पार्ट के लिए छोड़ा गया है मेरे हिसाब से बाय द डायरेक्टर, बट शायद सेकंड पार्ट आपको ना ही देखने को मिले। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे रावण फिल्म के बारे में। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि अगर आपको ऐसी ही फिल्मों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो चाहिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको जानने हैं, इनकी कमाई के बारे में जानना है और ये जानना है कि इस फिल्म में क्या नया है और क्या पुराना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। रावण एक 2011 की भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी और निर्देशित की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं और एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन सुपर हीरो के रूप में हैं। यहाँ पर दो कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे शाहरुख खान के। एक तो कैरेक्टर होगा जो कि कोई गेम डेवलपर है, उसका रोल निभा रहे हैं यहाँ पर शाहरुख खान, और एक होगा जीवन जो कि हमारे यहाँ पर मेन सुपर हीरो हैं इस फिल्म में। फिल्म में रावण के रूप में है अर्जुन रामपाल और फिल्म में करीना कपूर और अरमान वर्मा भी हैं। या साथ ही साथ आपको इस फिल्म में छोटी सी झलक चिट्ठी की भी देखने को मिलेगी। चिट्ठी द रोबोट याद तो होगा ही आप लोगों को, वो भी आपको यहाँ पर इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं। रजनीकांत का ये छोटा सा ही रोल है जो इस फिल्म में लिया गया है, उनका कोई कैरेक्टर यहाँ पर नहीं बनाया गया, बस एक छोटी सी झलक उनकी आपको इसमें देखने को मिलेगी, छोटी सी थोड़ी सी देर के लिए वो यहाँ पर इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे। शहना गोस्वामी, दलीप तहिल और चीनी अमेरिका अभिनेता टॉम वो समर्थन भूमिका में दिखाई देते हैं। रजनीकांत, संजय दत्त और प्रियंका चोपड़ा अतिथि भूमिका में दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको संजय दत्त और प्रियंका चोपड़ा ये दोनों ही जो कैरेक्टर हैं और साथ ही साथ रजनीकांत, इन तीनों का ही जो कैरेक्टर है वो आपको थोड़ी देर के लिए देखने को मिलेगा। बस ये कहानी का ऐसे समझ सकते हैं कि छोटा सा पार्ट है। जैसे जैसे हम कहानी में आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन हाँ, उनका कोई मेन कैरेक्टर नहीं है या फिर सपोर्टिव कैरेक्टर यहाँ पर कोई प्ले नहीं किया है उन्होंने ऑफिशियली, वो सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करें इस फिल्म के निर्देशक की यानी कि डायरेक्टर, तो वो है अनुभव सिन्हा और यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है वो है गौरी खान। अब ये पॉइंट टू बी नोटेड है क्योंकि यहाँ पर गौरी खान ने इसको प्रोड्यूस किया है, दैट मीन्स ये शाहरुख खान से ही रिलेटेड मूवी है, या फिर आप कह सकते हैं कि शाहरुख खान ने ही इस मूवी को बनाया है, ऑफिशियली नहीं लेकिन अनऑफिशियली तो बनाया ही है। अगर बात करें इसके लेखक की तो अनुभव सिन्हा ने ही इस फिल्म को लिखा भी है, यानी कि राइटिंग भी इन्होंने ही की है। लेकिन अगर बात करें इसके स्क्रीन प्ले की, पटकथा जो लिखी गई है यानी कि डायलॉग बाय डायलॉग, अब देखिए यहाँ पर जो लेखन है वो है सिर्फ कि कहानी कैसी होने वाली है, स्टार्ट कैसा होगा, एंड कैसा होगा, बीच में क्या होने वाला है, यानी कि मोटी मोटी जो बातें हैं वो तो सब अनुभव सिन्हा ने अकेले ही डिसाइड कर ली। लेकिन जो पटकथा है, स्क्रीन प्ले है, यानी कि डायलॉग किसका कैसा होगा, किस सीन में क्या होने वाला है, वो सब जो है एकदम डिटेल में जो भी लिखा जाता है फिल्म के लिए, वो सब जो लिखा गया है वो लिखा गया है अनुभव सिन्हा, साथ ही साथ कनिका ढिल्लो और मुश्ताक शेख और डेविड बेनुला, इन चारों ने इसको मिलाकर, मतलब इन चारों ने मिलकर इस फिल्म की जो स्क्रीन प्ले है उसको लिखा है। अब इस फिल्म में अभिनेता, जैसे कि मैंने आपको बताया, शाहरुख खान, करीना कपूर, अर्जुन रामपाल, अरमान वर्मा, सहाना गोस्वामी और टॉम वू हैं। अगर बात करें इस फिल्म में संगीत किसने लिखा है, संगीत किसने दिया है, तो वो हैं विशाल एंड शिखर, दोनों ने, ये दोनों अलग अलग हैं। एंड अगर बात करें छायाकार की तो निकोला पेकोरिनी और वी मणिकंदन, ये यहाँ पर छायाकार हैं और बाकी तो सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता ही होगी। अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे पर कि इस फिल्म का टोटल बजट कितना था, कितने बजट में आखिरकार ये फिल्म बनाई गई। क्योंकि अगर आप देखेंगे इस फिल्म को तो इस फिल्म में आपको एकदम एक्शन भरपूर मिलने वाला है, साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि
अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भारत की जो फिल्में हैं उसमें भी विजुअल इफेक्ट्स VFX क्या गजब का यूज हो सकता है। और इन माय व्यूज की ये जो फिल्म है ना वो काफी दमदार है। हाँ थोड़ी बहुत जो है इसमें और मसाला ऐड किया जा सकता था, थोड़ी और कहानी इसमें ऐड की जा सकती थी, थोड़ा और पेचीदा इसको बनाया जा सकता था, लेकिन बस उसी की कमी रही है। अदरवाइज सब कुछ अच्छा मुझे इसमें लगा कि इसमें जितना भी VFX वाला काम है, जितने भी विजुअल इफेक्ट्स हैं वो एकदम धासु हैं, जिसको कहते हैं ना एकदम धासु लेवल के इसमें VFX डाले गए हैं। साथ ही साथ इसमें जो भी डिजाइनिंग की गई है कॉस्ट्यूम से लेकर एनवायरमेंट की, क्योंकि गेमिंग यहाँ पर आपको गेमिंग वाला जो एनवायरमेंट है वो देखने को मिलेगा जब गेम डेवलप होता है, वो वाला एनवायरमेंट भी, और क्योंकि बाद में जो है सब कुछ जो चलता है वो गेम के इर्द गिर्द ही चलता है, और लास्ट में जो एंडिंग होती है वो भी गेम में ही होती है, या आप कह सकते हैं कि गेम से रिलेशन है उसका भी, कहानी में हम इसकी बात करेंगे। तो वहां पर भी जो एनवायरमेंट है वो डिजाइन किया गया है एक बेहतरीन लेवल तक, मतलब एक नेक्स्ट लेवल, जो उसमें लिखा है ना इसके पोस्टर में द नेक्स्ट लेवल, तो वही नेक्स्ट लेवल इसमें दिखाया भी गया है, तो काफी अच्छा काम किया गया है। तो इस चीज को देखते हुए इसमें 130 से लेकर 150 करोड़ तक का बजट आया था, एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि काउंट नहीं हो सकती, कुछ ऐसे काम होते हैं इसमें जैसे कि आप समझ सकते हैं कि छोटे मोटे जो काम होते हैं जो कि काउंट नहीं होते बजट में और वो खर्च भी हो जाते हैं प्रोड्यूसर के, तो एक अंदाजा ही लगाया जाता है, कुछ चीजों का हिसाब होता है इनके पास कि कितना इन्होंने खर्च किया था। तो 130 से 150 करोड़ तक का इनका जो बजट था वो आया था इस फिल्म में, लागत इसमें आई थी। और अगर बात करें इसके कुल कारोबार की तो इसने 200 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो फिल्म है ना, इस फिल्म ने जो मतलब पूरे वर्ल्ड में जो रिलीज होती हैं बॉलीवुड मूवीज, उन मूवीज में इस फिल्म का जो नाम है वो सेकंड नंबर पे था, यानी कि इसने काफी अच्छा जो है रेस्पॉन्स कमाया था वर्ल्ड वाइड भी। बट एक कहीं ना कहीं ड्रॉबैक इस फिल्म का ये रहा कि इसमें जो है जो कमाई की जा सकती थी, इससे कमाई करने की उम्मीद की गई थी, वो शायद यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि जो इसमें प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर को सिर्फ कितना फायदा हुआ आप देख सकते हैं, 150 करोड़ का उसमें बजट आ गया और 200 से ऊपर की ही इसने कमाई की, यानी कि लगभग 50 से 60 करोड़ का ही इसमें इन्होंने प्रॉफिट कमाया है। और जो स्पॉन्सर्स हैं उनको काफी नुकसान रहा, कुछ स्पॉन्सर्स का अलग होता है कॉन्ट्रैक्ट की अगर इतने करोड़ से ऊपर जाएगी तो, मतलब अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो कुछ स्पॉन्सर्स का जो है इसमें नुकसान रहा है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो 200 करोड़ से ऊपर इसने कमाई की है, दैट मीन्स कि इसमें कुछ ना कुछ तो दम था। बट हाँ उतना लेवल तक ये नहीं बना पाया जैसे कि मैंने कहा कि इसमें मसाला ऐड किया जा सकता था, जैसे कि आप देखते हैं हॉलीवुड मूवीज में लाइक एवेंजर्स, तो उसमें मतलब वो वैसे तो वो काफी हाई लेवल की मूवीज है इसके मुकाबले, बट अगर देखा जाए तो उसमें काफी मसाला होता है, मतलब एक एक सीन को पकड़ते हैं कि हाँ यार इस सीन से क्या निकल के आ सकता है। दैट मीन्स कि वो जो बनाने वाले हैं फिल्म को वो काफी सोचते हैं, हर एक सीन को लिखने से पहले वो काफी सोचते हैं कि इस सीन को हम कहाँ पे आगे नेक्स्ट वाली मूवी में कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इस फिल्म में हम मसाला डाल सकते हैं, कैसे इस सीन में हम मसाला डाल सकते हैं। तो वो सब चीजें जो है वो देखनी चाहिए थी इस फिल्म को बनाने से पहले भी, अगर वो इस चीज को देखते तो शायद इस फिल्म की जो सीरीज है वो आगे भी आ सकती थी, बट क्योंकि वो इतना नहीं कमा पाई तो इसकी जो आने के चांसेस हैं नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो आने के चांसेस कम है। हालांकि इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट में जो प्रतीक है, प्रतीक यहाँ पर कैरेक्टर है उस बच्चे का जो कि शाहरुख खान का बेटा है, जो लास्ट में जीत जाता है इस गेम को, बेसिकली उसके आसपास ही कहानी घूमती हुई है, तो उसका एक सीन आता है जो कि ये दिखाता है कि हाँ सेकेंड पार्ट बनाने का इरादा तो था डायरेक्टर का और राइटर का भी, बट क्योंकि वो सक्सेस इसको नहीं मिल पाई इस मूवी को, इस कारण से इस मूवी का जो सेकंड पार्ट है शायद वो लेट हो रहा है या फिर बनाने की जो उम्मीद है वो इन्होंने छोड़ दी। अगर बात करें इस फिल्म की रेटिंग्स की तो IMDB पर इसकी जो रेटिंग है वो है 4.7 आउट ऑफ 10, यानी कि 10 में से इसको 4.7 स्टार ही मिले हैं, करीबन 4.5 या फिर 4.5 स्टार इसको मिले हैं आउट ऑफ 10, तो जो कि इतना अच्छा काफी, मतलब इतना अच्छा स्कोर मैं नहीं कहूंगा कि है,
और आपको भी पता है कि ये नहीं है, 50% से भी कम है, 47% ही लोगों ने ये इसको अच्छा बताया है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। बट इन माई व्यूज अगर मैं कहना चाहूंगा मैं कैसे इस फिल्म को देखता हूं, तो इस फिल्म में जो है मुझे जो सबसे बेस्ट चीज लगी थी वो था VFX। मैं दोबारा से कहूंगा कि इसमें जो VFX में जो अचीवमेंट है फिल्म मेकर्स का वो काफी अच्छे लेवल तक हुआ है, उन्होंने कोशिश की है कि वो हॉलीवुड को टक्कर दे सकें VFX के मामले में, मैं तो यही कहूंगा। अब देखिए अलग अलग व्यूज हो सकते हैं सभी के, आपका व्यूज कुछ अलग होगा, अपने व्यूज भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, बट मेरा तो यही व्यू है कि इस फिल्म में जो VFX का लेवल है वो काफी अप किया गया है। लेकिन बस कमी जो रही है वो रही है अच्छी राइटिंग की। राइटिंग कंसेप्ट इसमें अच्छा है, काफी प्लॉट काफी अच्छा है, जिसको कहेंगे कि प्लॉट काफी अच्छा है, लेकिन स्क्रीन प्ले में कुछ और ऐड किया जा सकता था जिससे कि ये फिल्म कुछ और मजेदार बन सकती थी। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसमें ऐसा हो सकता था कि जो फाइटिंग है वो इतनी आसान ना होती जैसा कि इसमें रखा गया है। आपको अगर मैं बताऊं तो इस फिल्म में होता क्या है बेसिकली कि जो शाहरुख खान है, शाहरुख खान का जो पहला कैरेक्टर है जो कि एक गेम डेवलपर है, वो एक गेम बनाता है और वो जो गेम है वो काफी ज्यादा मेहनत से अपने बच्चे को गिफ्ट करने के लिए बनाता है, और लेकिन उसके जो बच्चे की इच्छा होती है वो ये होती है कि वो एक ऐसा गेम बनाए जिसमें जो विलन है वो काफी ताकतवर हो, वो हीरो से भी ज्यादा ताकतवर हो, ये उसकी इच्छा होती है। इसलिए जो शाहरुख खान है वो काफी अच्छे लेवल का विलन यहाँ पर तैयार करते हैं इन कंपैरिजन टू हीरो, तो इस कारण से जिससे कि वो उस अपने बच्चे को इम्प्रेस कर पाए या उसको खुश कर पाए, क्योंकि जो उनका लड़का होता है वो उसको इज्जत नहीं देता, मतलब शाहरुख खान को इतनी इज्जत नहीं देता, ना ही उनको कुछ मानता है, तो इसके कारण से वो उसकी नजरों में अच्छा बनना चाहते हैं, इसी कारण से वो विलन को काफी ताकतवर बनाते हैं और हीरो को कहीं ना कहीं थोड़ा सा लो बनाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे कि जो फाइट है वो काफी टक्कर की हो जाए, यानी कि एक तरफा मुकाबला फिर भी ना हो। जो हीरो है वो बिल्कुल ही कमजोर नहीं बनाया उन्होंने, हाँ कुछ पावर्स के मामले में कमजोर बना देते हैं। फिर होता ये है कि एक दिन कुछ वहां पर उनके स्टूडियो में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आता है जिसके कारण से जो क्योंकि वहां पर लूसीफर गेम खेलता रहता है, वो जो लूसीफर है उसका नाम, जो वो लड़का है शाहरुख खान का, तो जो लूसीफर है वो गेम खेलता रहता है, उस गेम से वो बाहर उस गेम को खेलते खेलते वो जो है चला जाता है, वो गेम अधूरा छोड़ के चला जाता है, उसी चक्कर में कोई फॉल्ट होता है उसी टाइम पे, और वहां से जो रावण है, गेम से जो रावण है वो बाहर आ जाता है, यानी कि विलन जो है वो बाहर आ जाता है, वो चाहता है कि मैं लूसीफर को मार दूं। लूसीफर को मारने के चक्कर में वो इधर उधर ढूंढता है जो वहां पर स्टूडियो में मौजूद लोग होते हैं, गेम डेवलपर्स होते हैं, उनको भी एक दो को उनको भी मार देता है, फिर बाद में आकर शाहरुख खान को भी मार देता है, उसके लूसीफर के पापा को भी वो मार देता है। तो इस कारण से जैसे ये जो कहानी है वो चलती रहती है, फिर जीवन की एंट्री होती है, जीवन फिर गेम से बाहर आता है क्योंकि जो रावण है वो भी बाहर आ चुका है और वो तबाही मचा रहा है, जीवन का काम ही है कि उसको रोके, तो इसलिए गेम के अकॉर्डिंग, गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग वो बाहर आ जाता है। और कमाल की बात ये है कि रियल वर्ल्ड में भी जो गेम वाला जो रूल है, जो गेम्स के रूल हैं वो चलते रहते हैं, जो रूल्स गेम के अंदर बनाए गए थे वही रूल्स यहाँ पर भी बाहर भी फॉलो होते हैं। दैट मीन्स कि जीवन के पास कितनी ताकत होगी वो सब कुछ, जीवन कैसा बिहेव करेगा वो सब कुछ, वो सब यहाँ पर फॉलो होता है। साथ ही साथ जो रावण का बिहेवियर है वो भी वही यहाँ पे फॉलो होता है, जैसे कि रावण जो है अपना रूप बदल लेता है, और क्योंकि रावण रूप बदल लेता है इसी कारण से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी छवि संजय दत्त की भी और प्रियंका चोपड़े की भी, तो ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। लास्ट में क्या होता है कि लास्ट में कुछ फाइटिंग सीन होते हैं, कुछ बीच बीच में ढूंढते रहता है रावण, ढूंढता रहता है जीवन को भी और लूसीफर को भी, लूसीफर को मारने की कोशिश करता है, बाद में फाइट होती है रावण और जीवन के बीच में, और उसमें लूसीफर जो है कंट्रोल करता है जीवन को, क्योंकि गेम का एक रूल होता है कि जो जीवन है उसको कंट्रोल करने के लिए एक सूट पहनना होगा और तब गेम खेलेगा, जो भी खेलने वाला होगा, जो भी यूजर होगा जो गेम खेलता है वो उसको तभी खेल पाएगा। तो ऐसा कुछ सीन होता है लास्ट में जो है कुछ भी एक करके जो है लूसीफर वो जीत जाता है और कहानी एंड हो जाती है। लेकिन लास्ट में एक सीन दिखाया गया है कि लूसीफर जो है हार्ट,
जो जीवन का हार्ट था, क्योंकि वो टेक्निकल एक रोबोट है, टेक्निकली एक रोबोट था जो जीवन है, तो उसका जो हार्ट था एक, मान लीजिए कि एक तरीके से सीपीयू था, तो उस सीपीयू को जैसे कि आयरन मैन में वो एक बीच में होता है ना, मिडल में आर्क रिएक्टर, ऐसे ही सेम वहां पर भी था। तो हार्ट को रिवाइव करने की वो कोशिश करता है और वो एट लास्ट रिवाइव भी कर लेता है, जो कि सेकंड पार्ट के लिए छोड़ा गया है मेरे हिसाब से बाय द डायरेक्टर, बट शायद सेकंड पार्ट आपको ना ही देखने को मिले। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे रावण फिल्म के बारे में। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि अगर आपको ऐसी ही फिल्मों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो चाहिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको जानने हैं, इनकी कमाई के बारे में जानना है और ये जानना है कि इस फिल्म में क्या नया है और क्या पुराना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। रावण एक 2011 की भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी और निर्देशित की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं और एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन सुपर हीरो के रूप में हैं। यहां पर दो कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे शाहरुख खान के, एक तो कैरेक्टर होगा जो कि कोई गेम डेवलपर है, उसका रोल निभा रहे हैं यहाँ पर शाहरुख खान, और एक होगा जीवन जो कि हमारे यहाँ पर मेन सुपर हीरो हैं इस फिल्म में। फिल्म में रावण के रूप में है अर्जुन रामपाल और फिल्म में करीना कपूर और अरमान वर्मा भी हैं। या साथ ही साथ आपको इस फिल्म में छोटी सी झलक चिट्ठी की भी देखने को मिलेगी। चिट्ठी द रोबोट याद तो होगा ही आप लोगों को, वो भी आपको यहाँ पर इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं। रजनीकांत का ये छोटा सा ही रोल है जो इस फिल्म में लिया गया है, उनका कोई कैरेक्टर यहाँ पर नहीं बनाया गया, बस एक छोटी सी झलक उनकी आपको इसमें देखने को मिलेगी, छोटी सी थोड़ी सी देर के लिए वो यहाँ पर इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे। शहना गोस्वामी, दलीप तहिल और चीनी अमेरिका अभिनेता टॉम वू समर्थन भूमिका में दिखाई देते हैं। रजनीकांत, संजय दत्त और प्रियंका चोपड़ा अतिथि भूमिका में दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको संजय दत्त और प्रियंका चोपड़ा ये दोनों ही जो कैरेक्टर हैं और साथ ही साथ रजनीकांत, इन तीनों का ही जो कैरेक्टर है वो आपको थोड़ी देर के लिए देखने को मिलेगा। बस ये कहानी का ऐसे समझ सकते हैं कि छोटा सा पार्ट है। जैसे जैसे हम कहानी में आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन हाँ उनका कोई मेन कैरेक्टर नहीं है या फिर सपोर्टिव कैरेक्टर यहाँ पर कोई प्ले नहीं किया है उन्होंने ऑफिशियली, वो सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करें इस फिल्म के निर्देशक की यानी कि डायरेक्टर, तो वो है अनुभव सिन्हा और यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है वो है गौरी खान। अब ये पॉइंट टू बी नोटेड है क्योंकि यहाँ पर गौरी खान ने इसको प्रोड्यूस किया है, दैट मीन्स ये शाहरुख खान से ही रिलेटेड मूवी है, या फिर आप कह सकते हैं कि शाहरुख खान ने ही इस मूवी को बनाया है, ऑफिशियली नहीं लेकिन अनऑफिशियली तो बनाया ही है। अगर बात करें इसके लेखक की तो अनुभव सिन्हा ने ही इस फिल्म को लिखा भी है, यानी कि राइटिंग भी इन्होंने ही की है। लेकिन अगर बात करें इसके स्क्रीन प्ले की, पटकथा जो लिखी गई है यानी कि डायलॉग बाय डायलॉग, अब देखिए यहाँ पर जो लेखन है वो है सिर्फ कि कहानी कैसी होने वाली है, स्टार्ट कैसा होगा, एंड कैसा होगा, बीच में क्या होने वाला है, यानी कि मोटी मोटी जो बातें हैं वो तो सब अनुभव सिन्हा ने अकेले ही डिसाइड कर ली, लेकिन जो पटकथा है, स्क्रीन प्ले है, यानी कि डायलॉग किसका कैसा होगा, किस सीन में क्या होने वाला है, वो सब जो है एकदम डिटेल में जो भी लिखा जाता है फिल्म के लिए, वो सब जो लिखा गया है वो लिखा गया है अनुभव सिन्हा, साथ ही साथ कनिका ढिल्लो और मुश्ताक शेख और डेविड बेनुला, इन चारों ने इसको मिलाकर, मतलब इन चारों ने मिलकर इस फिल्म की जो स्क्रीन प्ले है उसको लिखा है। अब इस फिल्म में अभिनेता, जैसे कि मैंने आपको बताया, शाहरुख खान, करीना कपूर, अर्जुन रामपाल, अरमान वर्मा, सहाना गोस्वामी और टॉम वू हैं। अगर बात करें इस फिल्म में संगीत किसने लिखा है, संगीत किसने दिया है, तो वो हैं विशाल एंड शिखर, दोनों ने, ये दोनों अलग अलग हैं। एंड अगर बात करें छायाकार की तो निकोला पेकोरिनी और वी मणिकंदन, ये यहाँ पर छायाकार हैं और
बाकी तो सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता ही होगी। अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे पर कि इस फिल्म का टोटल बजट कितना था, कितने बजट में आखिरकार ये फिल्म बनाई गई। क्योंकि अगर आप देखेंगे इस फिल्म को तो इस फिल्म में आपको एकदम एक्शन भरपूर मिलने वाला है। साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भारत की जो फिल्में हैं उसमें भी विजुअल इफेक्ट्स VFX क्या गजब का यूज हो सकता है। और इन माई व्यूज की ये जो फिल्म है ना वो काफी दमदार है। हाँ, थोड़ी बहुत जो है इसमें और मसाला ऐड किया जा सकता था, थोड़ी और कहानी इसमें ऐड की जा सकती थी, थोड़ा और पेचीदा इसको बनाया जा सकता था, लेकिन बस उसी की कमी रही है। अदरवाइज सब कुछ अच्छा मुझे इसमें लगा कि इसमें जितना भी VFX वाला काम है, जितने भी विजुअल इफेक्ट्स हैं वो एकदम धासु हैं, जिसको कहते हैं एकदम धासु लेवल के इसमें VFX डाले गए हैं। साथ ही साथ इसमें जो भी डिजाइनिंग की गई है कॉस्ट्यूम से लेकर एनवायरमेंट की, क्योंकि गेमिंग यहाँ पर आपको गेमिंग वाला जो एनवायरमेंट है वो देखने को मिलेगा जब गेम डेवलप होता है, वो वाला एनवायरमेंट भी। और क्योंकि बाद में जो है सब कुछ जो चलता है वो गेम के इर्द गिर्द ही चलता है, और लास्ट में जो एंडिंग होती है वो भी गेम में ही होती है, या आप कह सकते हैं कि गेम से रिलेशन है उसका भी, कहानी में हम इसकी बात करेंगे। तो वहां पर भी जो एनवायरमेंट है वो डिजाइन किया गया है एक बेहतरीन लेवल तक, मतलब एक नेक्स्ट लेवल जो उसमें लिखा है ना इसके पोस्टर में द नेक्स्ट लेवल, तो वही नेक्स्ट लेवल इसमें दिखाया भी गया है, तो काफी अच्छा काम किया गया है। तो इस चीज को देखते हुए इसमें 130 से लेकर 150 करोड़ तक का बजट आया था, एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि काउंट नहीं हो सकती। कुछ ऐसे काम होते हैं इसमें जैसे कि आप समझ सकते हैं कि छोटे मोटे जो काम होते हैं जो कि काउंट नहीं होते बजट में, और वो खर्च भी हो जाते हैं प्रोड्यूसर के, तो एक अंदाजा ही लगाया जाता है, कुछ चीजों का हिसाब होता है इनके पास कि कितना इन्होंने खर्च किया था। तो 130 से 150 करोड़ तक का इनका जो बजट था वो आया था इस फिल्म में, लागत इसमें आई थी। और अगर बात करें इसके कुल कारोबार की तो इसने 200 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो फिल्म है ना, इस फिल्म ने जो मतलब पूरे वर्ल्ड में जो रिलीज होती हैं बॉलीवुड मूवीज, उन मूवीज में इस फिल्म का जो नाम है वो सेकंड नंबर पे था, यानी कि इसने काफी अच्छा जो है रेस्पॉन्स कमाया था वर्ल्ड वाइड भी। बट एक कहीं ना कहीं ड्रॉबैक इस फिल्म का ये रहा कि इसमें जो है जो कमाई की जा सकती थी, इससे कमाई करने की उम्मीद की गई थी, वो शायद यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि जो इसमें प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर को सिर्फ कितना फायदा हुआ आप देख सकते हैं, 150 करोड़ का उसमें बजट आ गया और 200 से ऊपर की ही इसने कमाई की, यानी कि लगभग 50 से 60 करोड़ का ही इसमें इन्होंने प्रॉफिट कमाया है। और जो स्पॉन्सर्स हैं उनको काफी नुकसान रहा, कुछ स्पॉन्सर्स का अलग होता है कॉन्ट्रैक्ट की अगर इतने करोड़ से ऊपर जाएगी तो, मतलब अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो कुछ स्पॉन्सर्स का जो है इसमें नुकसान रहा है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो 200 करोड़ से ऊपर इसने कमाई की है, दैट मींस कि इसमें कुछ ना कुछ तो दम था। बट हाँ, उतना लेवल तक ये नहीं बना पाए जैसे कि मैंने कहा कि इसमें मसाला ऐड किया जा सकता था, जैसे कि आप देखते हैं हॉलीवुड मूवीज में लाइक एवेंजर्स, तो उसमें मतलब वैसे तो वो काफी हाई लेवल की मूवीज है इसके मुकाबले, बट अगर देखा जाए तो उसमें काफी मसाला होता है, मतलब एक एक सीन को पकड़ते हैं कि हाँ यार इससे सीन से क्या निकल के आ सकता है। दैट मीन्स कि वो जो बनाने वाले हैं फिल्म को वो काफी सोचते हैं, हर एक सीन को लिखने से पहले वो काफी सोचते हैं कि इस सीन को हम कहाँ पे आगे नेक्स्ट वाली मूवी में कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इस फिल्म में हम मसाला डाल सकते हैं, कैसे इस सीन में हम मसाला डाल सकते हैं। तो वो सब चीजें जो है वो देखनी चाहिए थी इस फिल्म को बनाने से पहले भी, अगर वो इस चीज को देखते तो शायद इस फिल्म की जो सीरीज है वो आगे भी आ सकती थी, बट क्योंकि वो इतना नहीं कमा पाई तो इसकी जो आने के चांसेस हैं नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो आने के चांसेस कम है। हालांकि इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट में जो प्रतीक यहाँ पर कैरेक्टर है उस बच्चे का जो कि शाहरुख खान का बेटा है, जो लास्ट में जीत जाता है इस गेम को, बेसिकली उसके आसपास ही कहानी घूमती हुई है, तो उसका एक सीन आता है जो कि ये दिखाता है कि हाँ सेकेंड पार्ट बनाने का इरादा तो था डायरेक्टर का और राइटर का भी, बट क्योंकि वो सक्सेस इसको नहीं मिल पाई इस मूवी को, इस कारण से इस मूवी का जो सेकंड पार्ट है शायद वो लेट हो रहा है या फिर बनाने की जो उम्मीद है वो इन्होंने छोड़ दी है। अगर बात करें इस फिल्म की रेटिंग्स की
तो IMDb पर इसकी जो रेटिंग है वो है 4.7 out of 10, यानी कि 10 में से इसको 4.7 स्टार ही मिले हैं, करीबन 4.5 या फिर 4.25 स्टार इसको मिले हैं आउट ऑफ 10, तो जो कि इतना अच्छा, काफी मतलब इतना अच्छा स्कोर मैं नहीं कहूंगा कि है, और आपको भी पता है कि ये नहीं है, 50% से भी कम है, 47% ही लोगों ने ये इसको अच्छा बताया है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। बट इन माय व्यूज अगर मैं कहना चाहूंगा मैं कैसे इस फिल्म को देखता हूं, तो इस फिल्म में जो है मुझे जो सबसे बेस्ट चीज लगी थी वो था VFX। मैं दोबारा से कहूंगा कि इसमें जो VFX में जो अचीवमेंट है फिल्म मेकर्स का वो काफी अच्छे लेवल तक हुआ है, उन्होंने कोशिश की है कि वो हॉलीवुड को टक्कर दे सकें VFX के मामले में, मैं तो यही कहूंगा। अब देखिए अलग अलग व्यूज हो सकते हैं सभी के, आपका व्यूज कुछ अलग होगा, अपने व्यूज भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, बट मेरा तो यही व्यू है कि इस फिल्म में जो VFX का लेवल है वो काफी अप किया गया है, लेकिन बस कमी जो रही है वो रही है अच्छी राइटिंग की। राइटिंग कंसेप्ट इसमें अच्छा है, काफी प्लॉट काफी अच्छा है, जिसको कहेंगे कि प्लॉट काफी अच्छा है, लेकिन स्क्रीन प्ले में कुछ और ऐड किया जा सकता था जिससे कि ये फिल्म कुछ और मजेदार बन सकती थी, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसमें ऐसा हो सकता था कि जो फाइटिंग है वो इतनी आसान ना होती जैसा कि इसमें रखा गया है। आपको अगर मैं बताऊं तो इस फिल्म में होता क्या है बेसिकली कि जो शाहरुख खान है, शाहरुख खान का जो पहला कैरेक्टर है जो कि एक गेम डेवलपर है, वो एक गेम बनाता है, और वो जो गेम है वो काफी ज्यादा मेहनत से अपने बच्चे को गिफ्ट करने के लिए बनाता है, और लेकिन उसके जो बच्चे की इच्छा होती है वो ये होती है कि वो एक ऐसा गेम बनाए जिसमें जो विलन है वो काफी ताकतवर हो, वो हीरो से भी ज्यादा ताकतवर हो, ये उसकी इच्छा होती है। इसलिए जो शाहरुख खान है वो काफी अच्छे लेवल का विलन यहाँ पर तैयार करते हैं इन कंपेरिजन टू हीरो, तो इस कारण से जिससे कि वो उस अपने बच्चे को इम्प्रेस कर पाए या उसको खुश कर पाए, क्योंकि जो उनका लड़का होता है वो उसको इज्जत नहीं देता, मतलब शाहरुख खान को इतनी इज्जत नहीं देता, ना ही उनको कुछ मानता है, तो इसके कारण से वो उसकी नजरों में अच्छा बनना चाहते हैं, इसी कारण से वो विलन को काफी ताकतवर बनाते हैं और हीरो को कहीं ना कहीं थोड़ा सा लो बनाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे कि जो फाइट है वो काफी टक्कर की हो जाए, यानी कि एक तरफा मुकाबला फिर भी ना हो। जो हीरो है वो बिल्कुल ही कमजोर नहीं बनाया उन्होंने, हाँ कुछ पावर्स के मामले में कमजोर बना देते हैं। फिर होता ये है कि एक दिन कुछ वहां पर उनके स्टूडियो में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आता है जिसके कारण से जो क्योंकि वहां पर लूसीफर गेम खेलता रहता है, वो जो लूसीफर है उसका नाम, जो वो लड़का है शाहरुख खान का, तो जो लूसीफर है वो गेम खेलता रहता है, उस गेम से वो बाहर उस गेम को खेलते खेलते वो जो है चला जाता है, वो गेम अधूरा छोड़ के चला जाता है, उसी चक्कर में कोई फॉल्ट होता है उसी टाइम पे, और वहां से जो रावण है, गेम से जो रावण है वो बाहर आ जाता है, यानी कि विलन जो है वो बाहर आ जाता है, वो चाहता है कि मैं लूसीफर को मार दूं। लूसीफर को मारने के चक्कर में वो इधर उधर ढूंढता है, जो वहां पर स्टूडियो में मौजूद लोग होते हैं, गेम डेवलपर्स होते हैं, उनको भी एक दो को उनको भी मार देता है, फिर बाद में आकर शाहरुख खान को भी मार देता है, उसके लूसीफर के पापा को भी वो मार देता है। तो इस कारण से जैसे ये जो कहानी है वो चलती रहती है, फिर जीवन की एंट्री होती है, जीवन फिर गेम से बाहर आता है, क्योंकि जो रावण है वो भी बाहर आ चुका है और वो तबाही मचा रहा है, जीवन का काम ही है कि उसको रोके, तो इसलिए गेम के अकॉर्डिंग, गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग वो बाहर आ जाता है। और कमाल की बात ये है कि रियल वर्ल्ड में भी जो गेम वाला जो रूल है, जो गेम्स के रूल है वो चलते रहते हैं, जो रूल्स गेम के अंदर बनाए गए थे वही रूल्स यहाँ पर भी बाहर भी फॉलो होते हैं, दैट मीन्स कि जीवन के पास कितनी ताकत होगी वो सब कुछ, जीवन कैसा बिहेव करेगा वो सब यहाँ पर फॉलो होता है। साथ ही साथ जो रावण का बिहेवियर है वो भी वही यहाँ पे फॉलो होता है, जैसे कि रावण जो है अपना रूप बदल लेता है, और क्योंकि रावण रूप बदल लेता है इसी कारण से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी छवि संजय दत्त की भी और प्रियंका चोपड़ा की भी, तो ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। लास्ट में क्या होता है कि लास्ट में कुछ फाइटिंग सीन होते हैं, कुछ बीच बीच में ढूंढते रहता है रावण, ढूंढता रहता है जीवन को भी और लूसीफर को भी, लूसीफर को मारने की कोशिश करता है, बाद में फाइट होती है रावण और जीवन के बीच में, और उसमें लूसीफर जो है कंट्रोल करता है जीवन को, क्योंकि गेम का एक रूल होता है कि जो जीवन है उसको कंट्रोल करने के लिए एक सूट पहनना होगा और
तब गेम खेलेगा, जो भी खेलने वाला होगा, जो भी यूजर होगा जो गेम खेलता है वो उसको तभी खेल पाएगा। तो ऐसा कुछ सीन होता है लास्ट में जो है कुछ भी एक करके जो है लूसीफर वो जीत जाता है और कहानी एंड हो जाती है। लेकिन लास्ट में एक सीन दिखाया गया है कि लूसीफर जो है हार्ट, जो जीवन का हार्ट था, क्योंकि वो टेक्निकल एक रोबोट है, टेक्निकली एक रोबोट था जो जीवन है, तो उसका जो हार्ट था एक मान लीजिए कि एक तरीके से सीपीयू था, तो उस सीपीयू को जैसे कि आयरन मैन में वो एक बीच में होता है ना मिडल में आर्क रिएक्टर, ऐसे ही सेम वहां पर भी था। तो हार्ट को रिवाइव करने की वो कोशिश करता है और वो एट लास्ट रिवाइव भी कर लेता है, जो कि सेकंड पार्ट के लिए छोड़ा गया है मेरे हिसाब से बाय द डायरेक्टर, बट शायद सेकंड पार्ट आपको ना ही देखने को मिले। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे रावण फिल्म के बारे में। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि अगर आपको ऐसी ही फिल्मों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो चाहिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको जानने हैं, इनकी कमाई के बारे में जानना है और ये जानना है कि इस फिल्म में क्या नया है और क्या पुराना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। रावण एक 2011 की भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी और निर्देशित की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं और एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन सुपर हीरो के रूप में हैं। यहाँ पर दो कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे शाहरुख खान के, एक तो कैरेक्टर होगा जो कि कोई गेम डेवलपर है, उसका रोल निभा रहे हैं यहाँ पर शाहरुख खान, और एक होगा जीवन जो कि हमारे यहाँ पर मेन सुपर हीरो हैं इस फिल्म में। फिल्म में रावण के रूप में है अर्जुन रामपाल और फिल्म में करीना कपूर और अरमान वर्मा भी हैं। या साथ ही साथ आपको इस फिल्म में छोटी सी झलक चिट्ठी की भी देखने को मिलेगी। चिट्ठी द रोबो याद तो होगा ही आप लोगों को, वो भी आपको यहाँ पर इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं। रजनीकांत का ये छोटा सा ही रोल है जो इस फिल्म में लिया गया है, उनका कोई कैरेक्टर यहाँ पर नहीं बनाया गया, बस एक छोटी सी झलक उनकी आपको इसमें देखने को मिलेगी, छोटी सी थोड़ी सी देर के लिए वो यहाँ पर इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे। शहना गोस्वामी, दलीप तहिल और चीनी अमेरिका अभिनेता टॉम वू समर्थन भूमिका में दिखाई देते हैं। रजनीकांत, संजय दत्त और प्रियंका चोपड़ा अतिथि भूमिका में दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको संजय दत्त और प्रियंका चोपड़ा ये दोनों ही जो कैरेक्टर हैं और साथ ही साथ रजनीकांत, इन तीनों का ही जो कैरेक्टर है वो आपको थोड़ी देर के लिए देखने को मिलेगा। बस ये कहानी का ऐसे समझ सकते हैं कि एक छोटा सा पार्ट है। जैसे जैसे हम कहानी में आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन हाँ, उनका कोई मेन कैरेक्टर नहीं है या फिर सपोर्टिव कैरेक्टर यहाँ पर कोई प्ले नहीं किया है उन्होंने ऑफिशियली, वो सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करें इस फिल्म के निर्देशक की यानी कि डायरेक्टर, तो वो है अनुभव सिन्हा और यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है वो है गौरी खान। अब ये पॉइंट टू बी नोटेड है क्योंकि यहाँ पर गौरी खान ने इसको प्रोड्यूस किया है, दैट मीन्स ये शाहरुख खान से ही रिलेटेड मूवी है, या फिर आप कह सकते हैं कि शाहरुख खान ने ही इस मूवी को बनाया है, ऑफिशियली नहीं लेकिन अनऑफिशियली तो बनाया ही है। अगर बात करें इसके लेखक की तो अनुभव सिन्हा ने ही इस फिल्म को लिखा भी है, यानी कि राइटिंग भी इन्होंने ही की है। लेकिन अगर बात करें इसके स्क्रीन प्ले की, पटकथा जो लिखी गई है यानी कि डायलॉग बाय डायलॉग, अब देखिए यहाँ पर जो लेखन है वो है सिर्फ कि कहानी कैसी होने वाली है, स्टार्ट कैसा होगा, एंड कैसा होगा, बीच में क्या होने वाला है, यानी कि मोटी मोटी जो बातें हैं वो तो सब अनुभव सिन्हा ने अकेले ही डिसाइड कर ली। लेकिन जो पटकथा है, स्क्रीन प्ले है, यानी कि डायलॉग किसका कैसा होगा, किस सीन में क्या होने वाला है, वो सब जो है एकदम डिटेल में जो भी लिखा जाता है फिल्म के लिए, वो सब जो लिखा गया है वो लिखा गया है अनुभव सिन्हा, साथ ही साथ कनिका ढिल्लो और मुश्ताक शेख और डेविड बेनुला, इन चारों ने इसको मिलाकर, मतलब इन चारों ने मिलकर इस फिल्म की जो स्क्रीन प्ले है उसको लिखा है। अब इस फिल्म में अभिनेता जैसे कि मैंने आपको बताया शाहरुख खान, करीना कपूर, अर्जुन रामपाल, अरमान वर्मा, सहाना गोस्वामी और टॉम वू हैं।
अगर बात करें इस फिल्म में संगीत किसने लिखा है, संगीत किसने दिया है, तो वो हैं विशाल एंड शिखर, दोनों ने, ये दोनों अलग अलग हैं। एंड अगर बात करें छायाकार की तो निकोला पेकोरिनी और वी मणिकंदन, ये यहाँ पर छायाकार हैं, और बाकी तो सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता ही होगी। अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे पर कि इस फिल्म का टोटल बजट कितना था, कितने बजट में आखिरकार ये फिल्म बनाई गई। क्योंकि अगर आप देखेंगे इस फिल्म को तो इस फिल्म में आपको एकदम एक्शन भरपूर मिलने वाला है। साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भारत की जो फिल्में हैं उसमें भी विजुअल इफेक्ट्स VFX क्या गजब का यूज हो सकता है। और इन माई व्यूज की ये जो फिल्म है ना वो काफी दमदार है। हाँ, थोड़ी बहुत जो है इसमें और मसाला ऐड किया जा सकता था, थोड़ी और कहानी इसमें ऐड की जा सकती थी, थोड़ा और पेचीदा इसको बनाया जा सकता था, लेकिन बस उसी की कमी रही है। अदरवाइज सब कुछ अच्छा मुझे इसमें लगा कि इसमें जितना भी VFX वाला काम है, जितने भी विजुअल इफेक्ट्स हैं वो एकदम धासु हैं, जिसको कहते हैं ना एकदम धासु लेवल के इसमें VFX डाले गए हैं। साथ ही साथ इसमें जो भी डिजाइनिंग की गई है कॉस्ट्यूम से लेकर एनवायरमेंट की, क्योंकि गेमिंग यहाँ पर आपको गेमिंग वाला जो एनवायरमेंट है वो देखने को मिलेगा जब गेम डेवलप होता है, वो वाला एनवायरमेंट भी, और क्योंकि बाद में जो है सब कुछ जो चलता है वो गेम के इर्द गिर्द ही चलता है, और लास्ट में जो एंडिंग होती है वो भी गेम में ही होती है, या आप कह सकते हैं कि गेम से रिलेशन है उसका भी, कहानी में हम इसकी बात करेंगे। तो वहां पर भी जो एनवायरमेंट है वो डिजाइन किया गया है एक बेहतरीन लेवल तक, मतलब एक नेक्स्ट लेवल जो उसमें लिखा है ना इसके पोस्टर में द नेक्स्ट लेवल, तो वही नेक्स्ट लेवल इसमें दिखाया भी गया है, तो काफी अच्छा काम किया गया है। तो इस चीज को देखते हुए इसमें 130 से लेकर 150 करोड़ तक का बजट आया था, एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि काउंट नहीं हो सकती, कुछ ऐसे काम होते हैं इसमें जैसे कि आप समझ सकते हैं कि छोटे मोटे जो काम होते हैं जो कि काउंट नहीं होते बजट में और वो खर्च भी हो जाते हैं प्रोड्यूसर के, तो एक अंदाजा ही लगाया जाता है, कुछ चीजों का हिसाब होता है इनके पास कि कितना इन्होंने खर्च किया था। तो 130 से 150 करोड़ तक का इनका जो बजट था वो आया था इस फिल्म में, लागत इसमें आई थी। और अगर बात करें इसके कुल कारोबार की तो इसने 200 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो फिल्म है ना, इस फिल्म ने जो मतलब पूरे वर्ल्ड में जो रिलीज होती हैं बॉलीवुड मूवीज, उन मूवीज में इस फिल्म का जो नाम है वो सेकंड नंबर पे था, यानी कि इसने काफी अच्छा जो है रेस्पॉन्स कमाया था वर्ल्ड वाइड भी। बट एक कहीं ना कहीं ड्रॉबैक इस फिल्म का ये रहा कि इसमें जो है जो कमाई की जा सकती थी, इससे कमाई करने की उम्मीद की गई थी, वो शायद यहां पर सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि जो इसमें प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर को सिर्फ कितना फायदा हुआ आप देख सकते हैं, 150 करोड़ का उसमें बजट आ गया और 200 से ऊपर की इसने कमाई की, यानी कि लगभग 50 से 60 करोड़ का ही इसमें इन्होंने प्रॉफिट कमाया है। और जो स्पॉन्सर्स हैं उनको काफी नुकसान रहा, कुछ स्पॉन्सर्स का अलग होता है कॉन्ट्रैक्ट की अगर इतने करोड़ से ऊपर जाएगी तो, मतलब अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो कुछ स्पॉन्सर्स का जो है इसमें नुकसान रहा है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो 200 करोड़ से ऊपर इसने कमाई की है, दैट मींस कि इसमें कुछ ना कुछ तो दम था। बट हाँ, उतना लेवल तक ये नहीं बना पाया जैसे कि मैंने कहा कि इसमें मसाला ऐड किया जा सकता था, जैसे कि आप देखते हैं हॉलीवुड मूवीज में लाइक एवेंजर्स, तो उसमें मतलब वैसे तो वो काफी हाई लेवल की मूवीज है इसके मुकाबले, बट अगर देखा जाए तो उसमें काफी मसाला होता है, मतलब एक एक सीन को पकड़ते हैं कि हाँ यार इस सीन से क्या निकल के आ सकता है। दैट मीन्स कि वो जो बनाने वाले हैं फिल्म को वो काफी सोचते हैं, हर एक सीन को लिखने से पहले वो काफी सोचते हैं कि इस सीन को हम कहाँ पे आगे नेक्स्ट वाली मूवी में कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इस फिल्म में हम मसाला डाल सकते हैं, कैसे इस सीन में हम मसाला डाल सकते हैं। तो वो सब चीजें जो है वो देखनी चाहिए थी इस फिल्म को बनाने से पहले भी, अगर वो इस चीज को देखते तो शायद इस फिल्म की जो सीरीज है वो आगे भी आ सकती थी, बट क्योंकि वो इतना नहीं कमा पाई तो इसकी जो आने के चांसेस है नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो आने के चांसेस कम है। हालांकि इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट में जो प्रतीक है, प्रतीक यहाँ पर कैरेक्टर है उस बच्चे का जो कि शाहरुख खान का बेटा है, जो लास्ट में जी जाता है इस गेम को, बेसिकली उसके आसपास ही कहानी घूमती हुई है, तो उसका एक सीन आता है जो कि ये दिखाता है कि हाँ सेकेंड पार्ट बनाने का इरादा तो था डायरेक्टर का और राइटर का भी, बट क्योंकि
वो सक्सेस इसको नहीं मिल पाई इस मूवी को, इस कारण से इस मूवी का जो सेकंड पार्ट है शायद वो लेट हो रहा है, या फिर बनाने की जो उम्मीद है वो इन्होंने छोड़ दी है। अगर बात करें इस फिल्म की रेटिंग्स की, तो आईएमडीबी पर इसकी जो रेटिंग है वो है 4.7 आउट ऑफ 10, यानी कि 10 में से इसको 4.7 स्टार ही मिले हैं, करीबन करीबन 4.5 या फिर 4.25 स्टार इसको मिले हैं आउट ऑफ 10, तो जो कि इतना अच्छा, काफी मतलब इतना अच्छा स्कोर मैं नहीं कहूंगा कि है, और आपको भी पता है कि ये नहीं है, 50% से भी कम है, 47% ही लोगों ने ये इसको अच्छा बताया है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। बट इन माई व्यूज अगर मैं कहना चाहूंगा मैं कैसे इस फिल्म को देखता हूँ, तो इस फिल्म में जो है मुझे जो सबसे बेस्ट चीज लगी थी वो था VFX। मैं दोबारा से कहूंगा कि इसमें जो VFX में जो अचीवमेंट है फिल्म मेकर्स का वो काफी अच्छे लेवल तक हुआ है, उन्होंने कोशिश की है कि वो हॉलीवुड को टक्कर दे सकें VFX के मामले में, मैं तो यही कहूंगा। अब देखिए अलग अलग व्यूज हो सकते हैं सभी के, आपका व्यूज कुछ अलग होगा, अपने व्यूज भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, बट मेरा तो यही व्यू है कि इस फिल्म में जो VFX का लेवल है वो काफी अप किया गया है, लेकिन बस कमी जो रही है वो रही है अच्छी राइटिंग की। राइटिंग कंसेप्ट इसमें अच्छा है, काफी प्लॉट काफी अच्छा है, जिसको कहेंगे कि प्लॉट काफी अच्छा है, लेकिन स्क्रीन प्ले में कुछ और ऐड किया जा सकता था जिससे कि ये फिल्म कुछ और मजेदार बन सकती थी, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसमें ऐसा हो सकता था कि जो फाइटिंग है वो इतनी आसान ना होती जैसा कि इसमें रखा गया है। आपको अगर मैं बताऊं तो इस फिल्म में होता क्या है बेसिकली कि जो शाहरुख खान का जो पहला कैरेक्टर है जो कि एक गेम डेवलपर है, वो एक गेम बनाता है, और वो जो गेम है वो काफी ज्यादा मेहनत से अपने बच्चे को गिफ्ट करने के लिए बनाता है, और लेकिन उसके जो बच्चे की इच्छा होती है वो ये होती है कि वो एक ऐसा गेम बनाए जिसमें जो विलन है वो काफी ताकतवर हो, वो हीरो से भी ज्यादा ताकतवर हो, ये उसकी इच्छा होती है। इसलिए जो शाहरुख खान है वो काफी अच्छे लेवल का विलन यहाँ पर तैयार करते हैं इन कंपैरिजन टू हीरो, तो इस कारण से जिससे कि वो उस अपने बच्चे को इम्प्रेस कर पाए या उसको खुश कर पाए, क्योंकि जो उनका लड़का होता है वो उसको इज्जत नहीं देता, मतलब शाहरुख खान को इतनी इज्जत नहीं देता, ना ही उनको कुछ मानता है, तो इसके कारण से वो उसकी नजरों में अच्छा बनना चाहते हैं, इसी कारण से वो विलन को काफी ताकतवर बनाते हैं और हीरो को कहीं ना कहीं थोड़ा सा लो बनाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे कि जो फाइट है वो काफी टक्कर की हो जाए, यानी कि एक तरफा मुकाबला फिर भी ना हो। जो हीरो है वो बिल्कुल ही कमजोर नहीं बनाया उन्होंने, हाँ कुछ पावर्स के मामले में कमजोर बना देते हैं। फिर होता यह है कि एक दिन कुछ वहां पर उनके स्टूडियो में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आता है, जिसके कारण से जो क्योंकि वहां पर लूसीफर गेम खेलता रहता है, वो जो लूसीफर है उसका नाम, जो वो लड़का है शाहरुख खान का, तो जो लूसीफर है वो गेम खेलता रहता है, उस गेम से वो बाहर उस गेम को खेलते खेलते वो जो है चला जाता है, वो गेम अधूरा छोड़ के चला जाता है, उसी चक्कर में कोई फॉल्ट होता है उसी टाइम पे, और वहां से जो रावण है, गेम से जो रावण है वो बाहर आ जाता है, यानी कि विलन जो है वो बाहर आ जाता है, वो चाहता है कि मैं लूसीफर को मार दूं। लूसीफर को मारने के चक्कर में वो इधर उधर ढूंढता है जो वहां पर स्टूडियो में मौजूद लोग होते हैं, गेम डेवलपर्स होते हैं, उनको भी एक दो को उनको भी मार देता है, फिर बाद में आकर शाहरुख खान को भी मार देता है, उसके लूसीफर के पापा को भी वो मार देता है। तो इस कारण से जैसे ये जो कहानी है वो चलती रहती है, फिर जीवन की एंट्री होती है, जीवन फिर गेम से बाहर आता है, क्योंकि जो रावण है वो भी बाहर आ चुका है और वो तबाही मचा रहा है, जीवन का काम ही है कि उसको रोके, तो इसलिए गेम के अकॉर्डिंग, गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग वो बाहर आ जाता है। और कमाल की बात ये है कि रियल वर्ल्ड में भी जो गेम वाला जो रूल है, जो गेम्स के रूल हैं वो चलते रहते हैं, जो रूल्स गेम के अंदर बनाए गए थे वही रूल्स यहाँ पर भी बाहर भी फॉलो होते हैं, दैट मीन्स कि जीवन के पास कितनी ताकत होगी वो सब कुछ, जीवन कैसा बिहेव करेगा वो सब यहाँ पर फॉलो होता है। साथ ही साथ जो रावण का बिहेवियर है वो भी वही यहाँ पे फॉलो होता है, जैसे कि रावण जो है अपना रूप बदल लेता है, और क्योंकि रावण रूप बदल लेता है इसी कारण से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी छवि संजय दत्त की भी और प्रियंका चोपड़ा की भी, तो ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। लास्ट में क्या होता है कि लास्ट में कुछ
फाइटिंग सीन होते हैं, कुछ बीच बीच में ढूंढते रहता है रावण, ढूंढता रहता है जीवन को भी और लूसीफर को भी, लूसीफर को मारने की कोशिश करता है, बाद में फाइट होती है रावण और जीवन के बीच में, और उसमें लूसीफर जो है कंट्रोल करता है जीवन को, क्योंकि गेम का एक रूल होता है कि जो जीवन है उसको कंट्रोल करने के लिए एक सूट पहनना होगा और तब गेम खेलेगा, जो भी खेलने वाला होगा, जो भी यूजर होगा जो गेम खेलता है वो उसको तभी खेल पाएगा। तो ऐसा कुछ सीन होता है लास्ट में जो है कुछ भी करके जो है लूसीफर वो जीत जाता है और कहानी एंड हो जाती है। लेकिन लास्ट में एक सीन दिखाया गया है कि लूसीफर जो है हार्ट, जो जीवन का हार्ट था, क्योंकि वो टेक्निकल एक रोबोट है, टेक्निकली एक रोबोट था जो जीवन है, तो उसका जो हार्ट था एक मान लीजिए कि एक तरीके से सीपीयू था, तो उस सीपीयू को जैसे कि आयरन मैन में वो एक बीच में होता है ना मिडल में आर्क रिएक्टर, ऐसे ही सेम वहां पर भी था। तो हार्ट को रिवाइव करने की वो कोशिश करता है और वो एट लास्ट रिवाइव भी कर लेता है, जो कि सेकंड पार्ट के लिए छोड़ा गया है मेरे हिसाब से बाय द डायरेक्टर, बट शायद सेकंड पार्ट आपको ना ही देखने को मिले। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे रावण फिल्म के बारे में। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि अगर आपको ऐसी ही फिल्मों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो चाहिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको जानने हैं, इनकी कमाई के बारे में जानना है और ये जानना है कि इस फिल्म में क्या नया है और क्या पुराना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। रावण एक 2011 की भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी और निर्देशित की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं और एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन सुपर हीरो के रूप में हैं। यहाँ पर दो कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे शाहरुख खान के, एक तो कैरेक्टर होगा जो कि कोई गेम डेवलपर है उसका रोल निभा रहे हैं यहाँ पर शाहरुख खान, और एक होगा जीवन जो कि हमारे यहाँ पर मेन सुपर हीरो है इस फिल्म में। फिल्म में रावण के रूप में है अर्जुन रामपाल और फिल्म में करीना कपूर और अरमान वर्मा भी हैं। या साथ ही साथ आपको इस फिल्म में छोटी सी झलक चिट्ठी की भी देखने को मिलेगी। चिट्ठी द रोबो याद तो होगा ही आप लोगों को, वो भी आपको यहाँ पर इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं। रजनीकांत का ये छोटा सा ही रोल है जो इस फिल्म में लिया गया है, उनका कोई कैरेक्टर यहाँ पर नहीं बनाया गया, बस एक छोटी सी झलक उनकी आपको इसमें देखने को मिलेगी, छोटी सी थोड़ी सी देर के लिए वो यहाँ पर इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे। शहना गोस्वामी, दलीप तहिल और चीनी अमेरिका अभिनेता टॉम वू समर्थन भूमिका में दिखाई देते हैं। रजनीकांत, संजय दत्त और प्रियंका चोपड़ा अतिथि भूमिका में दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको संजय दत्त और प्रियंका चोपड़ा ये दोनों ही जो कैरेक्टर हैं और साथ ही साथ रजनीकांत, इन तीनों का ही जो कैरेक्टर है वो आपको थोड़ी देर के लिए देखने को मिलेगा। बस ये कहानी का ऐसे समझ सकते हैं कि एक छोटा सा पार्ट है। जैसे जैसे हम कहानी में आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन हाँ, उनका कोई मेन कैरेक्टर नहीं है या फिर सपोर्टिव कैरेक्टर यहाँ पर कोई प्ले नहीं किया है उन्होंने ऑफिशियली, वो सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करें इस फिल्म के निर्देशक की यानी कि डायरेक्टर, तो वो है अनुभव सिन्हा और यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है वो है गौरी खान। अब ये पॉइंट टू बी नोटेड है क्योंकि यहाँ पर गौरी खान ने इसको प्रोड्यूस किया है, दैट मीन्स ये शाहरुख खान से ही रिलेटेड मूवी है, या फिर आप कह सकते हैं कि शाहरुख खान ने ही इस मूवी को बनाया है, ऑफिशियली नहीं लेकिन अनऑफिशियली तो बनाया ही है। अगर बात करें इसके लेखक की तो अनुभव सिन्हा ने ही इस फिल्म को लिखा भी है, यानी कि राइटिंग भी इन्होंने ही की है। लेकिन अगर बात करें इसके स्क्रीन प्ले की, पटकथा जो लिखी गई है यानी कि डायलॉग बाय डायलॉग, अब देखिए यहाँ पर जो लेखन है वो है सिर्फ कि कहानी कैसी होने वाली है, स्टार्ट कैसा होगा, एंड कैसा होगा, बीच में क्या होने वाला है, यानी कि मोटी मोटी जो बातें हैं वो तो सब अनुभव सिन्हा ने अकेले ही डिसाइड कर ली। लेकिन जो पटकथा है, स्क्रीन प्ले है, यानी कि डायलॉग किसका कैसा होगा, किस सीन में क्या होने वाला है, वो सब जो है एकदम डिटेल में जो भी लिखा जाता है फिल्म के लिए, वो सब जो लिखा गया है वो लिखा गया है अनुभव सिन्हा, साथ ही साथ कनिका ढिल्लो और मुश्ताक शेख और डेविड बेनुला, इन चारों ने इस
को मिलाकर, मतलब इस इन चारों ने मिलकर इस फिल्म की जो स्क्रीन प्ले है उसको लिखा है। अब इस फिल्म में अभिनेता, जैसे कि मैंने आपको बताया, शाहरुख खान, करीना कपूर, अर्जुन रामपाल, अरमान वर्मा, सहाना गोस्वामी और टॉम वू हैं। अगर बात करें इस फिल्म में संगीत किसने लिखा है, संगीत किसने दिया है, तो वो हैं विशाल एंड शिखर, दोनों ने, ये दोनों अलग अलग हैं। एंड अगर बात करें छायाकार की तो निकोला पेकोरिनी और वी मणिकंदन, ये यहाँ पर छायाकार हैं, और बाकी तो सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता ही होगी। अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे पर कि इस फिल्म का टोटल बजट कितना था, कितने बजट में आखिरकार ये फिल्म बनाई गई। क्योंकि अगर आप देखेंगे इस फिल्म को तो इस फिल्म में आपको एकदम एक्शन भरपूर मिलने वाला है। साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भारत की जो फिल्में हैं उसमें भी विजुअल इफेक्ट्स, वीएफएक्स क्या गजब का यूज हो सकता है। और इन माई व्यूज की ये जो फिल्म है ना वो काफी दमदार है। हाँ, थोड़ी बहुत जो है इसमें और मसाला ऐड किया जा सकता था, थोड़ी और कहानी इसमें ऐड की जा सकती थी, थोड़ा और पेचीदा इसको बनाया जा सकता था, लेकिन बस उसी की कमी रही है। अदरवाइज सब कुछ अच्छा मुझे इसमें लगा कि इसमें जितना भी वीएफएक्स वाला काम है, जितने भी विजुअल इफेक्ट्स हैं वो एकदम धासु हैं, जिसको कहते हैं एकदम धासु लेवल के इसमें वीएफएक्स डाले गए हैं। साथ ही साथ इसमें जो भी डिजाइनिंग की गई है कॉस्ट्यूम से लेकर एनवायरमेंट की, क्योंकि गेमिंग यहाँ पर आपको गेमिंग वाला जो एनवायरमेंट है वो देखने को मिलेगा जब गेम डेवलप होता है, वो वाला एनवायरमेंट भी, और क्योंकि बाद में जो है सब कुछ जो चलता है वो गेम के इर्द गिर्द ही चलता है, और लास्ट में जो एंडिंग होती है वो भी गेम में ही होती है, या आप कह सकते हैं कि गेम से रिलेशन है उसका भी। कहानी में हम इसकी बात करेंगे तो वहां पर भी जो एनवायरमेंट है वो डिजाइन किया गया है एक बेहतरीन लेवल तक, मतलब एक नेक्स्ट लेवल, जो उसमें लिखा है ना इसके पोस्टर में द नेक्स्ट लेवल, तो वही नेक्स्ट लेवल इसमें दिखाया भी गया है, तो काफी अच्छा काम किया गया है। तो इस चीज को देखते हुए इसमें 130 से लेकर 150 करोड़ तक का बजट आया था, एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि काउंट नहीं हो सकती, कुछ ऐसे काम होते हैं इसमें जैसे कि आप समझ सकते हैं कि छोटे मोटे जो काम होते हैं जो कि काउंट नहीं होते बजट में, और वो खर्च भी हो जाते हैं प्रोड्यूसर के, तो एक अंदाजा ही लगाया जाता है, कुछ चीजों का हिसाब होता है इनके पास कि कितना इन्होंने खर्च किया था। तो 130 से 150 करोड़ तक का इनका जो बजट था वो आया था इस फिल्म में, लागत इसमें आई थी। और अगर बात करें इसके कुल कारोबार की तो इसने 200 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो फिल्म है ना, इस फिल्म ने जो मतलब पूरे वर्ल्ड में जो रिलीज होती हैं बॉलीवुड मूवीज, उन मूवीज में इस फिल्म का जो नाम है वो सेकंड नंबर पे था, यानी कि इसने काफी अच्छा जो है रेस्पॉन्स कमाया था वर्ल्ड वाइड भी। बट एक कहीं ना कहीं ड्रॉबैक इस फिल्म का ये रहा कि इसमें जो है जो कमाई की जा सकती थी, इससे कमाई करने की उम्मीद की गई थी, वो शायद यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि जो इसमें प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर को सिर्फ कितना फायदा हुआ आप देख सकते हैं, 150 करोड़ का उसमें बजट आ गया और 200 से ऊपर की ही इसने कमाई की, यानी कि लगभग 50 से 60 करोड़ का ही इसमें इन्होंने प्रॉफिट कमाया है। और जो स्पॉन्सर्स हैं उनको काफी नुकसान रहा, कुछ स्पॉन्सर्स का अलग होता है कॉन्ट्रैक्ट की, अगर इतने करोड़ से ऊपर जाएगी तो मतलब अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो कुछ स्पॉन्सर्स का जो है इसमें नुकसान रहा है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो 200 करोड़ से ऊपर इसने कमाई की है, दैट मींस कि इसमें कुछ ना कुछ तो दम था। बट हाँ, उतना लेवल तक ये नहीं बना पाए जैसे कि मैंने कहा कि इसमें मसाला ऐड किया जा सकता था, जैसे कि आप देखते हैं हॉलीवुड मूवीज में लाइक एवेंजर्स, तो उसमें मतलब वो काफी हाई लेवल की मूवीज है इसके मुकाबले, बट अगर देखा जाए तो उसमें काफी मसाला होता है, मतलब एक एक सीन को पकड़ते हैं कि हाँ यार इससे सीन से क्या निकल के आ सकता है। दैट मीन्स कि वो जो बनाने वाले हैं फिल्म को वो काफी सोचते हैं, हर एक सीन को लिखने से पहले वो काफी सोचते हैं कि इस सीन को हम कहाँ पे आगे नेक्स्ट वाली मूवी में कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इस फिल्म में हम मसाला डाल सकते हैं, कैसे इस सीन में हम मसाला डाल सकते हैं। तो वो सब चीजें जो है वो देखनी चाहिए थी इस फिल्म को बनाने से पहले भी, अगर वो इस चीज को देखते तो शायद इस फिल्म की जो सीरीज है वो आगे भी आ सकती थी, बट क्योंकि वो इतना नहीं कमा पाई तो इसकी जो आने के चांसेस हैं, नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो आने के चांसेस कम है। हालांकि इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट में जो प्रतीक है
प्रतीक यहाँ पर कैरेक्टर है उस बच्चे का जो कि शाहरुख खान का बेटा है, जो लास्ट में जीत जाता है इस गेम को। बेसिकली उसके आसपास ही कहानी घूमती हुई है। तो उसका एक सीन आता है जो कि ये दिखाता है कि हाँ, सेकंड पार्ट बनाने का इरादा तो था डायरेक्टर का और राइटर का भी, बट क्योंकि वो सक्सेस इसको नहीं मिल पाई इस मूवी को, इस कारण से इस मूवी का जो सेकंड पार्ट है शायद वो लेट हो रहा है या फिर बनाने की जो उम्मीद है वो इन्होंने छोड़ दी है। अगर बात करें इस फिल्म की रेटिंग्स की, तो IMDB पर इसकी जो रेटिंग है वो है 4.7 आउट ऑफ 10, यानी कि 10 में से इसको 4.7 स्टार ही मिले हैं, करीबन 4.5 या फिर 4.25 स्टार इसको मिले हैं आउट ऑफ 10। तो जो कि इतना अच्छा, काफी मतलब इतना अच्छा स्कोर मैं नहीं कहूंगा कि है, और आपको भी पता है कि ये नहीं है, 50% से भी कम है, 47% ही लोगों ने ये इसको अच्छा बताया है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। बट इन माई व्यूज अगर मैं कहना चाहूंगा मैं कैसे इस फिल्म को देखता हूँ, तो इस फिल्म में जो है मुझे जो सबसे बेस्ट चीज लगी थी वो था VFX। मैं दोबारा से कहूंगा कि इसमें जो VFX में जो अचीवमेंट है फिल्म मेकर्स का वो काफी अच्छे लेवल तक हुआ है, उन्होंने कोशिश की है कि वो हॉलीवुड को टक्कर दे सकें VFX के मामले में, मैं तो यही कहूंगा। अब देखिए अलग अलग व्यूज हो सकते हैं सभी के, आपका व्यूज कुछ अलग होगा, अपने व्यूज भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, बट मेरा तो यही व्यू है कि इस फिल्म में जो VFX का लेवल है वो काफी अप किया गया है। लेकिन बस कमी जो रही है वो रही है अच्छी राइटिंग की। राइटिंग कंसेप्ट इसमें अच्छा है, काफी प्लॉट काफी अच्छा है, जिसको कहेंगे कि प्लॉट काफी अच्छा है, लेकिन स्क्रीन प्ले में कुछ और ऐड किया जा सकता था जिससे कि ये फिल्म कुछ और मजेदार बन सकती थी। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसमें ऐसा हो सकता था कि जो फाइटिंग है वो इतनी आसान ना होती जैसा कि इसमें रखा गया है। आपको अगर मैं बताऊं तो इस फिल्म में होता क्या है बेसिकली कि जो शाहरुख खान का जो पहला कैरेक्टर है जो कि एक गेम डेवलपर है, वो एक गेम बनाता है, और वो जो गेम है वो काफी ज्यादा मेहनत से अपने बच्चे को गिफ्ट करने के लिए बनाता है, और लेकिन उसके जो बच्चे की इच्छा होती है वो ये होती है कि वो एक ऐसा गेम बनाए जिसमें जो विलन है वो काफी ताकतवर हो, वो हीरो से भी ज्यादा ताकतवर हो, ये उसकी इच्छा होती है। इसलिए जो शाहरुख खान है वो काफी अच्छे लेवल का विलन यहाँ पर तैयार करते हैं इन कंपैरिजन टू हीरो। तो इस कारण से जिससे कि वो उस अपने बच्चे को इम्प्रेस कर पाए या उसको खुश कर पाए, क्योंकि जो उनका लड़का होता है वो उसको इज्जत नहीं देता, मतलब शाहरुख खान को इतनी इज्जत नहीं देता, ना ही उनको कुछ मानता है, तो इसके कारण से वो उसकी नजरों में अच्छा बनना चाहते हैं, इसी कारण से वो विलन को काफी ताकतवर बनाते हैं और हीरो को कहीं ना कहीं थोड़ा सा लो बनाते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे कि जो फाइट है वो काफी टक्कर की हो जाए, यानी कि एक तरफा मुकाबला फिर भी ना हो। जो हीरो है वो बिल्कुल ही कमजोर नहीं बनाया उन्होंने, हाँ कुछ पावर्स के मामले में कमजोर बना देते हैं। फिर होता ये है कि एक दिन कुछ वहां पर उनके स्टूडियो में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आता है, जिसके कारण से जो क्योंकि वहां पर लूसीफर गेम खेलता रहता है, वो जो लूसीफर है उसका नाम, जो वो लड़का है शाहरुख खान का, तो जो लूसीफर है वो गेम खेलता रहता है, उस गेम से वो बाहर उस गेम को खेलते खेलते वो जो है चला जाता है, वो गेम अधूरा छोड़ के चला जाता है, उसी चक्कर में कोई फॉल्ट होता है उसी टाइम पे, और वहां से जो रावण है, गेम से जो रावण है वो बाहर आ जाता है, यानी कि विलन जो है वो बाहर आ जाता है, वो चाहता है कि मैं लूसीफर को मार दूं। लूसीफर को मारने के चक्कर में वो इधर उधर ढूंढता है जो वहां पर स्टूडियो में मौजूद लोग होते हैं, गेम डेवलपर्स होते हैं, उनको भी एक दो को उनको भी मार देता है, फिर बाद में आकर शाहरुख खान को भी मार देता है, उसके लूसीफर के पापा को भी वो मार देता है। तो इस कारण से जैसे ये जो कहानी है वो चलती रहती है, फिर जीवन की एंट्री होती है, जीवन फिर गेम से बाहर आता है, क्योंकि जो रावण है वो भी बाहर आ चुका है और वो तबाही मचा रहा है, जीवन का काम ही है कि उसको रोके, तो इसलिए गेम के अकॉर्डिंग, गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग वो बाहर आ जाता है। और कमाल की बात यह है कि रियल वर्ल्ड में भी जो गेम वाला जो रूल है, जो गेम्स के रूल है वो चलते रहते हैं, जो रूल्स गेम के अंदर बनाए गए थे वही रूल्स यहाँ पर भी बाहर भी फॉलो होते हैं। दैट मीन्स कि जीवन के पास कितनी ताकत होगी वो सब कुछ, जीवन कैसा बिहेव करेगा वो सब कुछ, वो सब यहाँ पर फॉलो होता है। साथ ही साथ
जो रावण का बिहेवियर है वो भी वही वही यहाँ पे फॉलो होता है। जैसे कि रावण जो है अपना रूप बदल लेता है, और क्योंकि रावण रूप बदल लेता है इसी कारण से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी छवि संजय दत्त की भी और प्रियंका चोपड़ा की भी। तो ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। लास्ट में क्या होता है कि लास्ट में कुछ फाइटिंग सीन होते हैं, कुछ बीच बीच में ढूंढते रहता है रावण, ढूंढता रहता है जीवन को भी और लूसीफर को भी, लूसीफर को मारने की कोशिश करता है। बाद में फाइट होती है रावण और जीवन के बीच में, और उसमें लूसीफर जो है कंट्रोल करता है जीवन को, क्योंकि गेम का एक रूल होता है कि जो जीवन है उसको कंट्रोल करने के लिए एक सूट पहनना होगा और तब गेम खेलेगा, जो भी खेलने वाला होगा, जो भी यूजर होगा जो गेम खेलता है वो उसको तभी खेल पाएगा। तो ऐसा कुछ सीन होता है लास्ट में जो है कुछ भी एक करके जो है लूसीफर वो जीत जाता है और कहानी एंड हो जाती है। लेकिन लास्ट में एक सीन दिखाया गया है कि लूसीफर जो है हार्ट, जो जीवन का हार्ट था, क्योंकि वो टेक्निकल एक रोबोट है, टेक्निकली एक रोबोट था जो जीवन है, तो उसका जो हार्ट था एक मान लीजिए कि एक तरीके से सीपीयू था, तो उस सीपीयू को जैसे कि आयरन मैन में वो एक बीच में होता है ना मिडल में आर्क रिएक्टर, ऐसे ही सेम वहां पर भी था। तो हार्ट को रिवाइव करने की वो कोशिश करता है और वो एट लास्ट रिवाइव भी कर लेता है, जो कि सेकंड पार्ट के लिए छोड़ा गया है मेरे हिसाब से बाय द डायरेक्टर, बट शायद सेकंड पार्ट आपको ना ही देखने को मिले। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे रावण फिल्म के बारे में। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि अगर आपको ऐसी ही फिल्मों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो चाहिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको जानने हैं, इनकी कमाई के बारे में जानना है और ये जानना है कि इस फिल्म में क्या नया है और क्या पुराना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। रावण एक 2011 की भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी और निर्देशित की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं और एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन सुपर हीरो के रूप में हैं। यहाँ पर दो कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे शाहरुख खान के, एक तो कैरेक्टर होगा जो कि कोई गेम डेवलपर है उसका रोल निभा रहे हैं यहाँ पर शाहरुख खान, और एक होगा जीवन जो कि हमारे यहाँ पर मेन सुपर हीरो है इस फिल्म में। फिल्म में रावण के रूप में है अर्जुन रामपाल और फिल्म में करीना कपूर और अरमान वर्मा भी हैं। या साथ ही साथ आपको इस फिल्म में छोटी सी झलक चिट्ठी की भी देखने को मिलेगी। चिट्ठी का रोबो याद तो होगा ही आप लोगों को, वो भी आपको यहाँ पर इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं। रजनीकांत का ये छोटा सा ही रोल है जो इस फिल्म में लिया गया है, उनका कोई कैरेक्टर यहाँ पर नहीं बनाया गया, बस एक छोटी सी झलक उनकी आपको इसमें देखने को मिलेगी, छोटी सी थोड़ी सी देर के लिए वो यहाँ पर इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे। शहना गोस्वामी, दलीप तहिल और चीनी अमेरिका अभिनेता टॉम वू समर्थन भूमिका में दिखाई देते हैं। रजनीकांत, संजय दत्त और प्रियंका चोपड़ा अतिथि भूमिका में दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको संजय दत्त और प्रियंका चोपड़ा ये दोनों ही जो कैरेक्टर हैं और साथ ही साथ रजनीकांत, इन तीनों का ही जो कैरेक्टर है वो आपको थोड़ी देर के लिए देखने को मिलेगा। बस ये कहानी का ऐसे समझ सकते हैं कि एक छोटा सा पार्ट है। जैसे जैसे हम कहानी में आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन हाँ, उनका कोई मेन कैरेक्टर नहीं है या फिर सपोर्टिव कैरेक्टर यहाँ पर कोई प्ले नहीं किया है उन्होंने ऑफिशियली, वो सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करें इस फिल्म के निर्देशक की यानी कि डायरेक्टर, तो वो है अनुभव सिन्हा और यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है वो है गौरी खान। अब ये पॉइंट टू बी नोटेड है क्योंकि यहाँ पर गौरी खान ने इसको प्रोड्यूस किया है, दैट मीन्स ये शाहरुख खान से ही रिलेटेड मूवी है, या फिर आप कह सकते हैं कि शाहरुख खान ने ही इस मूवी को बनाया है, ऑफिशियली नहीं लेकिन अनऑफिशियली तो बनाया ही है। अगर बात करें इसके लेखक की तो अनुभव सिन्हा ने ही इस फिल्म को लिखा भी है, यानी कि राइटिंग भी इन्होंने ही की है। लेकिन
अगर बात करें इसके स्क्रीन प्ले की, पट कथा जो लिखी गई है यानी कि डायलॉग बाय डायलॉग, अब देखिए यहाँ पर जो लेखक लेखन है वो है सिर्फ कि कहानी कैसी होने वाली है, स्टार्ट कैसा होगा, एंड कैसा होगा, बीच में क्या होने वाला है, यानी कि मोटी मोटी जो बातें हैं वो तो सब अनुभव सिन्हा ने अकेले ही डिसाइड कर ली, लेकिन जो पटकथा है, स्क्रीन प्ले है, यानी कि डायलॉग किसका कैसा होगा, किस सीन में क्या होने वाला है, वो सब जो है एकदम डिटेल में जो भी लिखा जाता है फिल्म के लिए, वो सब जो लिखा गया है वो लिखा गया है अनुभव सिन्हा, साथ ही साथ कनिका ढिल्लो और मुश्ताक शेख और डेविड बेनुला, इन चारों ने इसको मिलाकर, मतलब इन चारों ने मिलकर इस फिल्म की जो स्क्रीन प्ले है उसको लिखा है। अब इस फिल्म में अभिनेता, जैसे कि मैंने आपको बताया, शाहरुख खान, करीना कपूर, अर्जुन रामपाल, अरमान वर्मा, सहाना गोस्वामी और टॉम वू हैं। अगर बात करें इस फिल्म में संगीत किसने लिखा है, संगीत किसने दिया है, तो वो हैं विशाल एंड शेखर, दोनों ने, ये दोनों अलग अलग हैं। एंड अगर बात करें छायाकार की तो निकोला पेकोरिनी और वी मणिकंदन, ये यहाँ पर छायाकार हैं, और बाकी तो सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता ही होगी। अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे पर कि इस फिल्म का टोटल बजट कितना था, कितने बजट में आखिरकार ये फिल्म बनाई गई, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस फिल्म को तो इस फिल्म में आपको एकदम एक्शन भरपूर मिलने वाला है। साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भारत की जो फिल्में हैं उसमें भी विजुअल इफेक्ट्स, VFX क्या गजब का यूज हो सकता है। और इन माई व्यूज की ये जो फिल्म है ना वो काफी दमदार है। हाँ, थोड़ी बहुत जो है इसमें और मसाला ऐड किया जा सकता था, थोड़ी और कहानी इसमें ऐड की जा सकती थी, थोड़ा और पेचीदा इसको बनाया जा सकता था, लेकिन बस उसी की कमी रही है, अदरवाइज सब कुछ अच्छा मुझे इसमें लगा कि इसमें जितना भी VFX वाला काम है, जितने भी विजुअल इफेक्ट्स हैं वो एकदम धासु हैं, जिसको कहते हैं एकदम धासु लेवल के इसमें VFX डाले गए हैं। साथ ही साथ इसमें जो भी डिजाइनिंग की गई है कॉस्ट्यूम से लेकर एनवायरमेंट की, क्योंकि गेमिंग यहाँ पर आपको गेमिंग वाला जो एनवायरमेंट है वो देखने को मिलेगा जब गेम डेवलप होता है, वो वाला एनवायरमेंट भी, और क्योंकि बाद में जो है सब कुछ जो चलता है वो गेम के इर्द गिर्द ही चलता है, और लास्ट में जो एंडिंग होती है वो भी गेम में ही होती है, या आप कह सकते हैं कि गेम से रिलेशन है उसका भी, कहानी में हम इसकी बात करेंगे, तो वहां पर भी जो एनवायरमेंट है वो डिजाइन किया गया है एक बेहतरीन लेवल तक, मतलब एक नेक्स्ट लेवल, जो उसमें लिखा है ना इसके पोस्टर में द नेक्स्ट लेवल, तो वही नेक्स्ट लेवल इसमें दिखाया भी गया है, तो काफी अच्छा काम किया गया है। तो इस चीज को देखते हुए इसमें 130 से लेकर 150 करोड़ तक का बजट आया था, एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि काउंट नहीं हो सकती, कुछ ऐसे काम होते हैं इसमें जैसे कि आप समझ सकते हैं कि छोटे मोटे जो काम होते हैं जो कि काउंट नहीं होते बजट में, और वो खर्च भी हो जाते हैं प्रोड्यूसर के, तो एक अंदाजा ही लगाया जाता है, कुछ चीजों का हिसाब होता है इनके पास कि कितना इन्होंने खर्च किया था। तो 130 से 150 करोड़ तक का इनका जो बजट था वो आया था इस फिल्म में, लागत इसमें आई थी। और अगर बात करें इसके कुल कारोबार की तो इसने 200 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो फिल्म है ना, इस फिल्म ने जो मतलब पूरे वर्ल्ड में जो रिलीज होती हैं बॉलीवुड मूवीज, उन मूवीज में इस फिल्म का जो नाम है वो सेकंड नंबर पे था, यानी कि इसने काफी अच्छा जो है रेस्पॉन्स कमाया था वर्ल्ड वाइड भी। बट एक कहीं ना कहीं ड्रॉबैक इस फिल्म का ये रहा कि इसमें जो है जो कमाई की जा सकती थी, इससे कमाई करने की उम्मीद की गई थी, वो शायद यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि जो इसमें प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर को सिर्फ कितना फायदा हुआ आप देख सकते हैं, 150 करोड़ का उसमें बजट आ गया और 200 से ऊपर की ही इसने कमाई की, यानी कि लगभग 50 से 60 करोड़ का ही इसमें इन्होंने प्रॉफिट कमाया है, और जो स्पॉन्सर्स हैं उनको काफी नुकसान रहा, कुछ स्पॉन्सर्स का अलग होता है कॉन्ट्रैक्ट की अगर इतने करोड़ से ऊपर जाएगी तो, मतलब अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो कुछ स्पॉन्सर्स का जो है इसमें नुकसान रहा है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो 200 करोड़ से ऊपर इसने कमाई की है, दैट मींस कि इसमें कुछ ना कुछ तो दम था, बट हाँ उतना लेवल तक ये नहीं बना पाए जैसे कि मैंने कहा कि इसमें मसाला ऐड किया जा सकता था, जैसे कि आप देखते हैं हॉलीवुड मूवीज में लाइक एवेंजर्स, तो उसमें मतलब वो काफी हाई लेवल की मूवीज है इसके मुकाबले, बट अगर देखा जाए तो उसमें काफी मसाला होता है, मतलब एक एक सीन को पकड़ते हैं,
कि हाँ यार इससे सीन से क्या निकल के आ सकता है. दैट मीन्स कि वो जो बनाने वाले हैं फिल्म को वो काफी सोचते हैं, हर एक सीन को लिखने से पहले वो काफी सोचते हैं कि इस सीन को हम कहाँ पे आगे नेक्स्ट वाली मूवी में कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इस फिल्म में हम मसाला डाल सकते हैं, कैसे इस सीन में हम मसाला डाल सकते हैं. तो वो सब चीजें जो है वो देखनी चाहिए थी इस फिल्म को बनाने से पहले भी. अगर वो इस चीज को देखते तो शायद इस फिल्म की जो सीरीज है वो आगे भी आ सकती थी, बट क्योंकि वो इतना नहीं कमा पाई तो इसकी जो आने के चांसेस हैं, नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो आने के चांसेस कम है. हालांकि इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट में जो प्रतीक है, प्रतीक यहाँ पर कैरेक्टर है उस बच्चे का जो कि शाहरुख खान का बेटा है, जो लास्ट में जी जाता है इस गेम को, बेसिकली उसके आसपास ही कहानी घूमती हुई है. तो उसका एक सीन आता है जो कि ये दिखाता है कि हाँ सेकंड पार्ट बनाने का इरादा तो था डायरेक्टर का और राइटर का भी, बट क्योंकि वो सक्सेस इसको नहीं मिल पाई इस मूवी को, इस कारण से इस मूवी का जो सेकंड पार्ट है शायद वो लेट हो रहा है या फिर बनाने की जो उम्मीद है वो इन्होंने छोड़ दी है. अगर बात करें इस फिल्म की रेटिंग्स की तो IMDB पर इसकी जो रेटिंग है वो है 4.7 out of 10, यानी कि 10 में से इसको 4.7 स्टार ही मिले हैं, करीबन 4.5 या फिर 4.25 स्टार इसको मिले हैं आउट ऑफ 10. तो जो कि इतना अच्छा, काफी मतलब इतना अच्छा स्कोर मैं नहीं कहूंगा कि है, और आपको भी पता है कि ये नहीं है, 50% से भी कम है, 47% ही लोगों ने ये इसको अच्छा बताया है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं. बट इन माई व्यूज अगर मैं कहना चाहूंगा मैं कैसे इस फिल्म को देखता हूँ, तो इस फिल्म में जो है मुझे जो सबसे बेस्ट चीज लगी थी वो था VFX. मैं दोबारा से कहूंगा कि इसमें जो VFX में जो अचीवमेंट है फिल्म मेकर्स का वो काफी अच्छे लेवल तक हुआ है. उन्होंने कोशिश की है कि वो हॉलीवुड को टक्कर दे सकें VFX के मामले में, मैं तो यही कहूंगा. अब देखिए अलग अलग व्यूज हो सकते हैं सभी के, आपका व्यूज कुछ अलग होगा, अपने व्यूज भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, बट मेरा तो यही व्यू है कि इस फिल्म में जो VFX का लेवल है वो काफी अप किया गया है. लेकिन बस कमी जो रही है वो रही है अच्छी राइटिंग की. राइटिंग कंसेप्ट इसमें अच्छा है, काफी प्लॉट काफी अच्छा है, जिसको कहेंगे कि प्लॉट काफी अच्छा है, लेकिन स्क्रीन प्ले में कुछ और ऐड किया जा सकता था जिससे कि ये फिल्म कुछ और मजेदार बन सकती थी. यानी कि आप कह सकते हैं कि इसमें ऐसा हो सकता था कि जो फाइटिंग है वो इतनी आसान ना होती जैसा कि इसमें रखा गया है. आपको अगर मैं बताऊं तो इस फिल्म में होता क्या है बेसिकली कि जो शाहरुख खान है, शाहरुख खान का जो पहला कैरेक्टर है जो कि एक गेम डेवलपर है, वो एक गेम बनाता है, और वो जो गेम है वो काफी ज्यादा मेहनत से अपने बच्चे को गिफ्ट करने के लिए बनाता है, और लेकिन उसके जो बच्चे की इच्छा होती है वो ये होती है कि वो एक ऐसा गेम बनाए जिसमें जो विलन है वो काफी ताकतवर हो, वो हीरो से भी ज्यादा ताकतवर हो, ये उसकी इच्छा होती है. इसलिए जो शाहरुख खान है वो काफी अच्छे लेवल का विलन यहाँ पर तैयार करते हैं इन कंपैरिजन टू हीरो. तो इस कारण से जिससे कि वो उस अपने बच्चे को इम्प्रेस कर पाए या उसको खुश कर पाए, क्योंकि जो उनका लड़का होता है वो उसको इज्जत नहीं देता, मतलब शाहरुख खान को इतनी इज्जत नहीं देता, ना ही उनको कुछ मानता है, तो इसके कारण से वो उसकी नजरों में अच्छा बनना चाहते हैं, इसी कारण से वो विलन को काफी ताकतवर बनाते हैं और हीरो को कहीं ना कहीं थोड़ा सा लो बनाते हैं. लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे कि जो फाइट है वो काफी टक्कर की हो जाए, यानी कि एक तरफा मुकाबला फिर भी ना हो. जो हीरो है वो बिल्कुल ही कमजोर नहीं बनाया उन्होंने, हाँ कुछ पावर्स के मामले में कमजोर बना देते हैं. फिर होता यह है कि एक दिन कुछ वहां पर उनके स्टूडियो में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आता है जिसके कारण से जो क्योंकि वहां पर लूसीफर गेम खेलता रहता है, वो जो लूसीफर है उसका नाम, जो वो लड़का है शाहरुख खान का, तो जो लूसीफर है वो गेम खेलता रहता है, उस गेम से वो बाहर उस गेम को खेलते खेलते वो जो है चला जाता है, वो गेम अधूरा छोड़ के चला जाता है, उसी चक्कर में कोई फॉल्ट होता है उसी टाइम पे, और वहां से जो रावण है, गेम से जो रावण है वो बाहर आ जाता है, यानी कि विलन जो है वो बाहर आ जाता है, वो चाहता है कि मैं लूसीफर को मार दूं. लूसीफर को मारने के चक्कर में वो इधर उधर ढूंढता है जो वहां पर स्टूडियो में मौजूद लोग होते हैं, गेम डेवलपर्स होते हैं, उनको भी एक दो को उनको भी मार देता है, फिर बाद में आकर शाहरुख खान को भी मार देता है, उसके लूसीफर के पापा को भी वो मार देता है. तो इस कारण से जैसे ये जो कहानी है वो चलती रहती है,
फिर जीवन की एंट्री होती है। जीवन फिर गेम से बाहर आता है क्योंकि जो रावण है वो भी बाहर आ चुका है और वो तबाही मचा रहा है, जीवन का काम ही है कि उसको रोके, तो इसलिए गेम के अकॉर्डिंग, गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग वो बाहर आ जाता है। और कमाल की बात यह है कि रियल वर्ल्ड में भी जो गेम वाला जो रूल है, जो गेम्स के रूल हैं, वो चलते रहते हैं। जो रूल्स गेम के अंदर बनाए गए थे वही रूल्स यहाँ पर भी बाहर भी फॉलो होते हैं। दैट मीन्स कि जीवन के पास कितनी ताकत होगी वो सब कुछ, जीवन कैसा बिहेव करेगा वो सब कुछ, वो सब यहाँ पर फॉलो होता है। साथ ही साथ जो रावण का बिहेवियर है वो भी वही वही यहाँ पे फॉलो होता है। जैसे कि रावण जो है अपना रूप बदल लेता है, और क्योंकि रावण रूप बदल लेता है इसी कारण से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी छवि संजय दत्त की भी और प्रियंका चोपड़ा की भी, तो ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। लास्ट में क्या होता है कि लास्ट में कुछ फाइटिंग सीन होते हैं, कुछ बीच बीच में ढूंढते रहता है रावण, ढूंढता रहता है जीवन को भी और लूसीफर को भी, लूसीफर को मारने की कोशिश करता है, बाद में फाइट होती है रावण और जीवन के बीच में, और उसमें लूसीफर जो है कंट्रोल करता है जीवन को, क्योंकि गेम का एक रूल होता है कि जो जीवन है उसको कंट्रोल करने के लिए एक सूट पहनना होगा और तब गेम खेलेगा, जो भी खेलने वाला होगा, जो भी यूजर होगा जो गेम खेलता है वो उसको तभी खेल पाएगा। तो ऐसा कुछ सीन होता है लास्ट में जो है कुछ भी करके जो है लूसीफर वो जीत जाता है और कहानी एंड हो जाती है। लेकिन लास्ट में एक सीन दिखाया गया है कि लूसीफर जो है हार्ट, जो जीवन का हार्ट था, क्योंकि वो टेक्निकल एक रोबोट है, टेक्निकली एक रोबोट था जो जीवन है, तो उसका जो हार्ट था एक मान लीजिए कि एक तरीके से सीपीयू था, तो उस सीपीयू को जैसे कि आयरन मैन में वो एक बीच में होता है ना मिडल में आर्क रिएक्टर, ऐसे ही सेम वहां पर भी था। तो हार्ट को रिवाइव करने की वो कोशिश करता है और वो एट लास्ट रिवाइव भी कर लेता है, जो कि सेकंड पार्ट के लिए छोड़ा गया है मेरे हिसाब से बाय द डायरेक्टर, बट शायद सेकंड पार्ट आपको ना ही देखने को मिले। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे रावण फिल्म के बारे में। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि अगर आपको ऐसी ही फिल्मों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो चाहिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको जानने हैं, इनकी कमाई के बारे में जानना है और ये जानना है कि इस फिल्म में क्या नया है और क्या पुराना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। रावण एक 2011 की भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी और निर्देशित की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं और एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन सुपर हीरो के रूप में हैं। यहाँ पर दो कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे शाहरुख खान के, एक तो कैरेक्टर होगा जो कि कोई गेम डेवलपर है उसका रोल निभा रहे हैं यहाँ पर शाहरुख खान, और एक होगा जीवन जो कि हमारे यहाँ पर मेन सुपर हीरो हैं इस फिल्म में। फिल्म में रावण के रूप में है अर्जुन रामपाल और फिल्म में करीना कपूर और अरमान वर्मा भी हैं। या साथ ही साथ आपको इस फिल्म में छोटी सी झलक चिट्ठी की भी देखने को मिलेगी। चिट्ठी का रोबो याद तो होगा ही आप लोगों को, वो भी आपको यहाँ पर इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं। रजनीकांत का ये छोटा सा ही रोल है जो इस फिल्म में लिया गया है, उनका कोई कैरेक्टर यहाँ पर नहीं बनाया गया, बस एक छोटी सी झलक उनकी आपको इसमें देखने को मिलेगी, छोटी सी थोड़ी सी देर के लिए वो यहाँ पर इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे। शहना गोस्वामी, दलीप तहिल और चीनी अमेरिका अभिनेता टॉम वो समर्थन भूमिका में दिखाई देते हैं। रजनीकांत, संजय दत्त और प्रियंका चोपड़ा अतिथि भूमिका में दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको संजय दत्त और प्रियंका चोपड़ा ये दोनों ही जो कैरेक्टर हैं और साथ ही साथ रजनीकांत, इन तीनों का ही जो कैरेक्टर है वो आपको थोड़ी देर के लिए देखने को मिलेगा। बस ये कहानी का ऐसे समझ सकते हैं कि एक छोटा सा पार्ट है। जैसे जैसे हम कहानी में आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन हाँ, उनका कोई मेन कैरेक्टर नहीं है या फिर सपोर्टिव कैरेक्टर यहाँ पर कोई प्ले नहीं किया है उन्होंने ऑफिशियली, वो सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करें इस फिल्म के निर्देशक की यानी कि डायरेक्टर, तो वो है अनुभव सिन्हा और यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है वो है गौरी खान। अब ये पॉइंट टू बी नोटेड है
क्योंकि यहाँ पर गौरी खान ने इसको प्रोड्यूस किया है, दैट मीन्स ये शाहरुख खान से ही रिलेटेड मूवी है, या फिर आप कह सकते हैं कि शाहरुख खान ने ही इस मूवी को बनाया है, ऑफिशियली नहीं लेकिन अनऑफिशियली तो बनाया ही है। अगर बात करें इसके लेखक की तो अनुभव सिन्हा ने ही इस फिल्म को लिखा भी है, यानी कि राइटिंग भी इन्होंने ही की है। लेकिन अगर बात करें इसके स्क्रीन प्ले की, पटकथा जो लिखी गई है यानी कि डायलॉग बाय डायलॉग, अब देखिए यहाँ पर जो लेखन है वो है सिर्फ कि कहानी कैसी होने वाली है, स्टार्ट कैसा होगा, एंड कैसा होगा, बीच में क्या होने वाला है, यानी कि मोटी मोटी जो बातें हैं वो तो सब अनुभव सिन्हा ने अकेले ही डिसाइड कर ली। लेकिन जो पटकथा है, स्क्रीन प्ले है, यानी कि डायलॉग किसका कैसा होगा, किस सीन में क्या होने वाला है, वो सब जो है एकदम डिटेल में जो भी लिखा जाता है फिल्म के लिए, वो सब जो लिखा गया है वो लिखा गया है अनुभव सिन्हा, साथ ही साथ कनिका ढिल्लो और मुश्ताक शेख और डेविड बेनुला, इन चारों ने इसको मिलाकर, मतलब इन चारों ने मिलकर इस फिल्म की जो स्क्रीन प्ले है उसको लिखा है। अब इस फिल्म में अभिनेता, जैसे कि मैंने आपको बताया, शाहरुख खान, करीना कपूर, अर्जुन रामपाल, अरमान वर्मा, सहाना गोस्वामी और टॉम वू हैं। अगर बात करें इस फिल्म में संगीत किसने लिखा है, संगीत किसने दिया है, तो वो हैं विशाल एंड शिखर, दोनों ने, ये दोनों अलग अलग हैं। एंड अगर बात करें छायाकार की तो निकोला पेकोरिनी और वी मणिकंदन, ये यहाँ पर छायाकार हैं, और बाकी तो सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता ही होगी। अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे पर कि इस फिल्म का टोटल बजट कितना था, कितने बजट में आखिरकार ये फिल्म बनाई गई। क्योंकि अगर आप देखेंगे इस फिल्म को तो इस फिल्म में आपको एकदम एक्शन भरपूर मिलने वाला है। साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भारत की जो फिल्में हैं उसमें भी विजुअल इफेक्ट्स, VFX क्या गजब का यूज हो सकता है। और इन माई व्यूज की ये जो फिल्म है ना वो काफी दमदार है। हाँ, थोड़ी बहुत जो है इसमें और मसाला ऐड किया जा सकता था, थोड़ी और कहानी इसमें ऐड की जा सकती थी, थोड़ा और पेचीदा इसको बनाया जा सकता था, लेकिन बस उसी की कमी रही है। अदरवाइज सब कुछ अच्छा मुझे इसमें लगा कि इसमें जितना भी VFX वाला काम है, जितने भी विजुअल इफेक्ट्स हैं वो एकदम धासु हैं, जिसको कहते हैं ना एकदम धासु लेवल के इसमें VFX डाले गए हैं। साथ ही साथ इसमें जो भी डिजाइनिंग की गई है कॉस्ट्यूम से लेकर एनवायरमेंट की, क्योंकि गेमिंग यहाँ पर आपको गेमिंग वाला जो एनवायरमेंट है वो देखने को मिलेगा जब गेम डेवलप होता है, वो वाला एनवायरमेंट भी, और क्योंकि बाद में जो है सब कुछ जो चलता है वो गेम के इर्द गिर्द ही चलता है, और लास्ट में जो एंडिंग होती है वो भी गेम में ही होती है, या आप कह सकते हैं कि गेम से रिलेशन है उसका भी, कहानी में हम इसकी बात करेंगे। तो वहां पर भी जो एनवायरमेंट है वो डिजाइन किया गया है एक बेहतरीन लेवल तक, मतलब एक नेक्स्ट लेवल, जो उसमें लिखा है ना इसके पोस्टर में द नेक्स्ट लेवल, तो वही नेक्स्ट लेवल इसमें दिखाया भी गया है, तो काफी अच्छा काम किया गया है। तो इस चीज को देखते हुए इसमें 130 से लेकर 150 करोड़ तक का बजट आया था, एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि काउंट नहीं हो सकती, कुछ ऐसे काम होते हैं इसमें जैसे कि आप समझ सकते हैं कि छोटे मोटे जो काम होते हैं जो कि काउंट नहीं होते बजट में, और वो खर्च भी हो जाते हैं प्रोड्यूसर के, तो एक अंदाजा ही लगाया जाता है, कुछ चीजों का हिसाब होता है इनके पास कि कितना इन्होंने खर्च किया था। तो 130 से 150 करोड़ तक का इनका जो बजट था वो आया था इस फिल्म में, लागत इसमें आई थी। और अगर बात करें इसके कुल कारोबार की तो इसने 200 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो फिल्म है ना, इस फिल्म ने जो मतलब पूरे वर्ल्ड में जो रिलीज होती हैं बॉलीवुड मूवीज, उन मूवीज में इस फिल्म का जो नाम है वो सेकंड नंबर पे था, यानी कि इसने काफी अच्छा जो है रेस्पॉन्स कमाया था वर्ल्ड वाइड भी। बट एक कहीं ना कहीं ड्रॉबैक इस फिल्म का ये रहा कि इसमें जो है जो कमाई की जा सकती थी, इससे कमाई करने की उम्मीद की गई थी, वो शायद यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि जो इसमें प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर को सिर्फ कितना फायदा हुआ आप देख सकते हैं, 150 करोड़ का उसमें बजट आ गया और 200 से ऊपर की ही इसने कमाई की, यानी कि लगभग 50 से 60 करोड़ का ही इसमें इन्होंने प्रॉफिट कमाया है। और जो स्पॉन्सर्स हैं उनको काफी नुकसान रहा, कुछ स्पॉन्सर्स का अलग होता है कॉन्ट्रैक्ट की, अगर इतने करोड़ से ऊपर जाएगी तो मतलब अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो कुछ स्पॉन्सर्स का जो है इसमें नुकसान रहा है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो 200 करोड़ से ऊपर इसने कमाई की है, दैट मीन्स कि इसमें कुछ ना कुछ तो दम था। बट हाँ,
उतना लेवल तक ये नहीं बना पाया जैसे कि मैंने कहा कि इसमें मसाला ऐड किया जा सकता था, जैसे कि आप देखते हैं हॉलीवुड मूवीज में लाइक एवेंजर्स, तो उसमें मतलब वो वैसे तो वो काफी हाई लेवल की मूवीज है इसके मुकाबले, बट अगर देखा जाए तो उसमें काफी मसाला होता है, मतलब एक एक सीन को पकड़ते हैं कि हाँ यार इससे सीन से क्या निकल के आ सकता है। दैट मीन्स कि वो जो बनाने वाले हैं फिल्म को वो काफी सोचते हैं, हर एक सीन को लिखने से पहले वो काफी सोचते हैं कि इस सीन को हम कहाँ पे आगे नेक्स्ट वाली मूवी में कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इस फिल्म में हम मसाला डाल सकते हैं, कैसे इस सीन में हम मसाला डाल सकते हैं। तो वो सब चीजें जो है वो देखनी चाहिए थी इस फिल्म को बनाने से पहले भी, अगर वो इस चीज को देखते तो शायद इस फिल्म की जो सीरीज है वो आगे भी आ सकती थी, बट क्योंकि वो इतना नहीं कमा पाई तो इसकी जो आने के चांसेस हैं नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो आने के चांसेस कम है। हालांकि इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट में जो प्रतीक है, प्रतीक यहाँ पर कैरेक्टर है उस बच्चे का जो कि शाहरुख खान का बेटा है, जो लास्ट में जीत जाता है इस गेम को, बेसिकली उसके आसपास ही कहानी घूमती हुई है, तो उसका एक सीन आता है जो कि ये दिखाता है कि हाँ सेकेंड पार्ट बनाने का इरादा तो था डायरेक्टर का और राइटर का भी, बट क्योंकि वो सक्सेस इसको नहीं मिल पाई इस मूवी को, इस कारण से इस मूवी का जो सेकंड पार्ट है शायद वो लेट हो रहा है या फिर बनाने की जो उम्मीद है वो इन्होंने छोड़ दी है। अगर बात करें इस फिल्म की रेटिंग्स की तो IMDB पर इसकी जो रेटिंग है वो है 4.7 आउट ऑफ 10, यानी कि 10 में से इसको 4.7 स्टार ही मिले हैं, करीबन 4.5 या फिर 4.25 स्टार इसको मिले हैं आउट ऑफ 10, तो जो कि इतना अच्छा काफी मतलब इतना अच्छा स्कोर मैं नहीं कहूंगा कि है, और आपको भी पता है कि ये नहीं है, 50% से भी कम है, 47% ही लोगों ने ये इसको अच्छा बताया है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। बट इन माई व्यूज अगर मैं कहना चाहूंगा मैं कैसे इस फिल्म को देखता हूं, तो इस फिल्म में जो है मुझे जो सबसे बेस्ट चीज लगी थी वो था VFX। मैं दोबारा से कहूंगा कि इसमें जो VFX में जो अचीवमेंट है फिल्म मेकर्स का वो काफी अच्छे लेवल तक हुआ है, उन्होंने कोशिश की है कि वो हॉलीवुड को टक्कर दे सकें VFX के मामले में, मैं तो यही कहूंगा। अब देखिए अलग अलग व्यूज हो सकते हैं सभी के, आपका व्यूज कुछ अलग होगा, अपने व्यूज भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, बट मेरा तो यही व्यू है कि इस फिल्म में जो VFX का लेवल है वो काफी अप किया गया है, लेकिन बस कमी जो रही है वो रही है अच्छी राइटिंग की। राइटिंग कंसेप्ट इसमें अच्छा है, काफी प्लॉट काफी अच्छा है, जिसको कहेंगे कि प्लॉट काफी अच्छा है, लेकिन स्क्रीन प्ले में कुछ और ऐड किया जा सकता था जिससे कि ये फिल्म कुछ और मजेदार बन सकती थी, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसमें ऐसा हो सकता था कि जो फाइटिंग है वो इतनी आसान ना होती जैसा कि इसमें रखा गया है। आपको अगर मैं बताऊं तो इस फिल्म में होता क्या है बेसिकली कि जो शाहरुख खान का जो पहला कैरेक्टर है जो कि एक गेम डेवलपर है, वो एक गेम बनाता है, और वो जो गेम है वो काफी ज्यादा मेहनत से अपने बच्चे को गिफ्ट करने के लिए बनाता है, और लेकिन उसके जो बच्चे की इच्छा होती है वो ये होती है कि वो एक ऐसा गेम बनाए जिसमें जो विलन है वो काफी ताकतवर हो, वो हीरो से भी ज्यादा ताकतवर हो, ये उसकी इच्छा होती है। इसलिए जो शाहरुख खान है वो काफी अच्छे लेवल का विलन यहाँ पर तैयार करते हैं इन कंपैरिजन टू हीरो, तो इस कारण से जिससे कि वो उस अपने बच्चे को इम्प्रेस कर पाए या उसको खुश कर पाए, क्योंकि जो उनका लड़का होता है वो उसको इज्जत नहीं देता, मतलब शाहरुख खान को इतनी इज्जत नहीं देता, ना ही उनको कुछ मानता है, तो इसके कारण से वो उसकी नजरों में अच्छा बनना चाहते हैं, इसी कारण से वो विलन को काफी ताकतवर बनाते हैं और हीरो को कहीं ना कहीं थोड़ा सा लो बनाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे कि जो फाइट है वो काफी टक्कर की हो जाए, यानी कि एक तरफा मुकाबला फिर भी ना हो। जो हीरो है वो बिल्कुल ही कमजोर नहीं बनाया उन्होंने, हाँ कुछ पावर्स के मामले में कमजोर बना देते हैं। फिर होता ये है कि एक दिन कुछ वहां पर उनके स्टूडियो में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आता है जिसके कारण से जो क्योंकि वहां पर लूसीफर गेम खेलता रहता है, वो जो लूसीफर है उसका नाम जो वो लड़का है शाहरुख खान का, तो जो लूसीफर है वो गेम खेलता रहता है, उस गेम से वो बाहर उस गेम को खेलते खेलते वो जो है चला जाता है, वो गेम अधूरा छोड़ के चला जाता है, उसी चक्कर में कोई फॉल्ट होता है उसी टाइम पे, और वहां से जो रावण है गेम से जो रावण है वो बाहर आ जाता है, यानी कि विलन जो है वो बाहर आ जाता है, वो चाहता है कि मैं लूसीफर को मार दूं,
पर को मारने के चक्कर में वो इधर उधर ढूंढता है जो वहां पर स्टूडियो में मौजूद लोग होते हैं, गेम डेवलपर्स होते हैं, उनको भी एक दो को उनको मार देता है, फिर बाद में आकर शाहरुख खान को भी मार देता है, उसके लूसीफर के पापा को भी वो मार देता है। तो इस कारण से जैसे ये जो कहानी है वो चलती रहती है, फिर जीवन की एंट्री होती है, जीवन फिर गेम से बाहर आता है क्योंकि जो रावण है वो भी बाहर आ चुका है और वो तबाही मचा रहा है, जीवन का काम ही है कि उसको रोके, तो इसलिए गेम के अकॉर्डिंग, गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग वो बाहर आ जाता है। और कमाल की बात यह है कि रियल वर्ल्ड में भी जो गेम वाला जो रूल है, जो गेम्स के रूल है वो चलते रहते हैं, जो रूल्स गेम के अंदर बनाए गए थे वही रूल्स यहाँ पर भी बाहर भी फॉलो होते हैं। दैट मीन्स कि जीवन के पास कितनी ताकत होगी वो सब कुछ, जीवन कैसा बिहेव करेगा वो सब कुछ, वो सब यहाँ पर फॉलो होता है। साथ ही साथ जो रावण का बिहेवियर है वो भी वही यहाँ पे फॉलो होता है, जैसे कि रावण जो है अपना रूप बदल लेता है, और क्योंकि रावण रूप बदल लेता है इसी कारण से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी छवि संजय दत्त की भी और प्रियंका चोपड़ा की भी, तो ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। लास्ट में क्या होता है कि लास्ट में कुछ फाइटिंग सीन होते हैं, कुछ बीच बीच में ढूंढते रहता है रावण, ढूंढता रहता है जीवन को भी और लूसीफर को भी, लूसीफर को मारने की कोशिश करता है, बाद में फाइट होती है रावण और जीवन के बीच में, और उसमें लूसीफर जो है कंट्रोल करता है जीवन को, क्योंकि गेम का एक रूल होता है कि जो जीवन है उसको कंट्रोल करने के लिए एक सूट पहनना होगा और तब गेम खेलेगा, जो भी खेलने वाला होगा, जो भी यूजर होगा जो गेम खेलता है वो उसको तभी खेल पाएगा। तो ऐसा कुछ सीन होता है लास्ट में जो है कुछ भी करके जो है लूसीफर वो जीत जाता है और कहानी एंड हो जाती है। लेकिन लास्ट में एक सीन दिखाया गया है कि लूसीफर जो है हार्ट, जो जीवन का हार्ट था, क्योंकि वो टेक्निकल एक रोबोट है, टेक्निकली एक रोबोट था जो जीवन है, तो उसका जो हार्ट था एक मान लीजिए कि एक तरीके से सीपीयू था, तो उस सीपीयू को जैसे कि आयरन मैन में वो एक बीच में होता है ना मिडल में आर्क रिएक्टर, ऐसे ही सेम वहां पर भी था, तो हार्ट को रिवाइव करने की वो कोशिश करता है और वो एट लास्ट रिवाइव भी कर लेता है, जो कि सेकंड पार्ट के लिए छोड़ा गया है मेरे हिसाब से बाय द डायरेक्टर, बट शायद सेकंड पार्ट आपको ना ही देखने को मिले। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे रावण फिल्म के बारे में। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि अगर आपको ऐसी ही फिल्मों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो चाहिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको जानने हैं, इनकी कमाई के बारे में जानना है और ये जानना है कि इस फिल्म में क्या नया है और क्या पुराना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। रावण एक 2011 की भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी और निर्देशित की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं और एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन सुपर हीरो के रूप में हैं। यहां पर दो कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे शाहरुख खान के, एक तो कैरेक्टर होगा जो कि कोई गेम डेवलपर है उसका रोल निभा रहे हैं यहाँ पर शाहरुख खान, और एक होगा जीवन जो कि हमारे यहाँ पर मेन सुपर हीरो हैं इस फिल्म में। फिल्म में रावण के रूप में है अर्जुन रामपाल और फिल्म में करीना कपूर और अरमान वर्मा भी हैं। या साथ ही साथ आपको इस फिल्म में छोटी सी झलक चिट्ठी की भी देखने को मिलेगी। चिट्ठी द रोबो याद तो होगा ही आप लोगों को, वो भी आपको यहाँ पर इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं। रजनीकांत का ये छोटा सा ही रोल है जो इस फिल्म में लिया गया है, उनका कोई कैरेक्टर यहाँ पर नहीं बनाया गया, बस एक छोटी सी झलक उनकी आपको इसमें देखने को मिलेगी, छोटी सी थोड़ी सी देर के लिए वो यहाँ पर इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे। शहना गोस्वामी, दलीप तहिल और चीनी अमेरिका अभिनेता टॉम वू समर्थन भूमिका में दिखाई देते हैं। रजनीकांत, संजय दत्त और प्रियंका चोपड़ा अतिथि भूमिका में दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको संजय दत्त और प्रियंका चोपड़ा ये दोनों ही जो कैरेक्टर हैं और साथ ही साथ रजनीकांत, इन तीनों का ही जो कैरेक्टर है वो आपको थोड़ी देर के लिए देखने को मिलेगा। बस ये कहानी का ऐसे समझ सकते हैं कि एक छोटा सा पार्ट है। जैसे जैसे हम कहानी के आगे कहानी में आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं।
लेकिन हाँ उनका कोई मेन कैरेक्टर नहीं है या फिर सपोर्टिव कैरेक्टर यहाँ पर कोई प्ले नहीं किया है उन्होंने ऑफिशियली, वो सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करें इस फिल्म के निर्देशक की यानी कि डायरेक्टर, तो वो है अनुभव सिन्हा, और यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है वो है गौरी खान। अब ये पॉइंट टू बी नोटेड है क्योंकि यहाँ पर गौरी खान ने इसको प्रोड्यूस किया है, दैट मीन्स ये शाहरुख खान से ही रिलेटेड मूवी है, या फिर आप कह सकते हैं कि शाहरुख खान ने ही इस मूवी को बनाया है, ऑफिशियली नहीं लेकिन अनऑफिशियली तो बनाया ही है। अगर बात करें इसके लेखक की, तो अनुभव सिन्हा ने ही इस फिल्म को लिखा भी है, यानी कि राइटिंग भी इन्होंने ही की है। लेकिन अगर बात करें इसके स्क्रीन प्ले की, पटकथा जो लिखी गई है यानी कि डायलॉग बाय डायलॉग, अब देखिए यहाँ पर जो लेखन है वो है सिर्फ कि कहानी कैसी होने वाली है, स्टार्ट कैसा होगा, एंड कैसा होगा, बीच में क्या होने वाला है, यानी कि मोटी मोटी जो बातें हैं वो तो सब अनुभव सिन्हा ने अकेले ही डिसाइड कर ली। लेकिन जो पटकथा है, स्क्रीन प्ले है, यानी कि डायलॉग किसका कैसा होगा, किस सीन में क्या होने वाला है, वो सब जो है एकदम डिटेल में जो भी लिखा जाता है फिल्म के लिए, वो सब जो लिखा गया है वो लिखा गया है अनुभव सिन्हा, साथ ही साथ कनिका ढिल्लो और मुश्ताक शेख और डेविड बेनुलो, इन चारों ने इसको मिलाकर, मतलब इन चारों ने मिलकर इस फिल्म की जो स्क्रीन प्ले है उसको लिखा है। अब इस फिल्म में अभिनेता, जैसे कि मैंने आपको बताया, शाहरुख खान, करीना कपूर, अर्जुन रामपाल, अरमान वर्मा, सहाना गोस्वामी और टॉम वू हैं। अगर बात करें इस फिल्म में संगीत किसने लिखा है, संगीत किसने दिया है, तो वो हैं विशाल एंड शिखर, दोनों ने, ये दोनों अलग अलग हैं। एंड अगर बात करें छायाकार की, तो निकोला पेकोरिनी और वी मणिकंदन, ये यहाँ पर छायाकार हैं, और बाकी तो सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता ही होगी। अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे पर कि इस फिल्म का टोटल बजट कितना था, कितने बजट में आखिरकार ये फिल्म बनाई गई। क्योंकि अगर आप देखेंगे इस फिल्म को, तो इस फिल्म में आपको एकदम एक्शन भरपूर मिलने वाला है। साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भारत की जो फिल्में हैं उसमें भी विजुअल इफेक्ट्स, VFX क्या गजब का यूज हो सकता है। और इन माई व्यूज की ये जो फिल्म है ना, वो काफी दमदार है। हाँ, थोड़ी बहुत जो है इसमें और मसाला ऐड किया जा सकता था, थोड़ी और कहानी इसमें ऐड की जा सकती थी, थोड़ा और पेचीदा इसको बनाया जा सकता था, लेकिन बस उसी की कमी रही है। अदरवाइज सब कुछ अच्छा मुझे इसमें लगा कि इसमें जितना भी VFX वाला काम है, जितने भी विजुअल इफेक्ट्स हैं, वो एकदम धासु हैं, जिसको कहते हैं एकदम धासु लेवल के इसमें VFX डाले गए हैं। साथ ही साथ इसमें जो भी डिजाइनिंग की गई है कॉस्ट्यूम से लेकर एनवायरमेंट की, क्योंकि गेमिंग यहाँ पर आपको गेमिंग वाला जो एनवायरमेंट है वो देखने को मिलेगा जब गेम डेवलप होता है, वो वाला एनवायरमेंट भी, और क्योंकि बाद में जो है सब कुछ जो चलता है वो गेम के इर्द गिर्द ही चलता है, और लास्ट में जो एंडिंग होती है वो भी गेम में ही होती है, या आप कह सकते हैं कि गेम से रिलेशन है उसका भी, कहानी में हम इसकी बात करेंगे। तो वहां पर भी जो एनवायरमेंट है वो डिजाइन किया गया है एक बेहतरीन लेवल तक, मतलब एक नेक्स्ट लेवल, जो उसमें लिखा है ना इसके पोस्टर में द नेक्स्ट लेवल, तो वही नेक्स्ट लेवल इसमें दिखाया भी गया है, तो काफी अच्छा काम किया गया है। तो इस चीज को देखते हुए इसमें 130 से लेकर 150 करोड़ तक का बजट आया था, एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि काउंट नहीं हो सकती, कुछ ऐसे काम होते हैं इसमें जैसे कि आप समझ सकते हैं कि छोटे मोटे जो काम होते हैं जो कि काउंट नहीं होते बजट में, और वो खर्च भी हो जाते हैं प्रोड्यूसर के, तो एक अंदाजा ही लगाया जाता है, कुछ चीजों का हिसाब होता है इनके पास कि कितना इन्होंने खर्च किया था। तो 130 से 150 करोड़ तक का इनका जो बजट था वो आया था इस फिल्म में, लागत इसमें आई थी। और अगर बात करें इसके कुल कारोबार की, तो इसने 200 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो फिल्म है ना, इस फिल्म ने जो मतलब पूरे वर्ल्ड में जो रिलीज होती हैं बॉलीवुड मूवीज, उन मूवीज में इस फिल्म का जो नाम है वो सेकंड नंबर पे था, यानी कि इसने काफी अच्छा जो है रेस्पॉन्स कमाया था वर्ल्ड वाइड भी। बट एक कहीं ना कहीं ड्रॉबैक इस फिल्म का ये रहा कि इसमें जो है जो कमाई की जा सकती थी, इससे कमाई करने की उम्मीद की गई थी, वो शायद यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि
जो इसमें प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर को सिर्फ कितना फायदा हुआ आप देख सकते हैं, 150 करोड़ का उसमें बजट आ गया और 200 से ऊपर की ही इसने कमाई की, यानी कि लगभग 50 से 60 करोड़ का ही इसमें इन्होंने प्रॉफिट कमाया है। और जो स्पॉन्सर्स हैं उनको काफी नुकसान रहा, कुछ स्पॉन्सर्स का अलग होता है कॉन्ट्रैक्ट की अगर इतने करोड़ से ऊपर जाएगी तो, मतलब अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो कुछ स्पॉन्सर्स का जो है इसमें नुकसान रहा है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो 200 करोड़ से ऊपर इसने कमाई की है, दैट मीन्स कि इसमें कुछ ना कुछ तो दम था। बट हाँ, उतना लेवल तक ही नहीं बना पाए जैसे कि मैंने कहा कि इसमें मसाला ऐड किया जा सकता था, जैसे कि आप देखते हैं हॉलीवुड मूवीज में लाइक एवेंजर्स, तो उसमें मतलब वो वैसे तो वो काफी हाई लेवल की मूवीज है इसके मुकाबले, बट अगर देखा जाए तो उसमें काफी मसाला होता है, मतलब एक एक सीन को पकड़ते हैं कि हाँ यार इससे सीन से क्या निकल के आ सकता है। दैट मीन्स कि वो जो बनाने वाले हैं फिल्म को वो काफी सोचते हैं, हर एक सीन को लिखने से पहले वो काफी सोचते हैं कि इस सीन को हम कहाँ पे आगे नेक्स्ट वाली मूवी में कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इस फिल्म में हम मसाला डाल सकते हैं, कैसे इस सीन में हम मसाला डाल सकते हैं। तो वो सब चीजें जो है वो देखनी चाहिए थी इस फिल्म को बनाने से पहले भी, अगर वो इस चीज को देखते तो शायद इस फिल्म की जो सीरीज है वो आगे भी आ सकती थी, बट क्योंकि वो इतना नहीं कमा पाई तो इसकी जो आने के चांसेस हैं नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो आने के चांसेस कम है। हालांकि इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट में जो प्रतीक है, प्रतीक यहाँ पर कैरेक्टर है उस बच्चे का जो कि शाहरुख खान का बेटा है, जो लास्ट में जीत जाता है इस गेम को, बेसिकली उसके आस पास ही कहानी घूमती हुई है, तो उसका एक सीन आता है जो कि ये दिखाता है कि हाँ सेकेंड पार्ट बनाने का इरादा तो था डायरेक्टर का और राइटर का भी, बट क्योंकि वो सक्सेस इसको नहीं मिल पाई इस मूवी को, इस कारण से इस मूवी का जो सेकंड पार्ट है शायद वो लेट हो रहा है या फिर बनाने की जो उम्मीद है वो इन्होंने छोड़ दी है। अगर बात करें इस फिल्म की रेटिंग्स की तो IMDB पर इसकी जो रेटिंग है वो है 4.7 आउट ऑफ 10, यानी कि 10 में से इसको 4.7 स्टार ही मिले हैं, करीबन 4.5 या फिर 4.25 स्टार इसको मिले हैं आउट ऑफ 10, तो जो कि इतना अच्छा, काफी मतलब इतना अच्छा स्कोर मैं नहीं कहूंगा कि है, और आपको भी पता है कि ये नहीं है, 50% से भी कम है, 47% ही लोगों ने ये इसको अच्छा बताया है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। बट इन माई व्यूज अगर मैं कहना चाहूंगा मैं कैसे इस फिल्म को देखता हूँ, तो इस फिल्म में जो है मुझे जो सबसे बेस्ट चीज लगी थी वो था VFX। मैं दोबारा से कहूंगा कि इसमें जो VFX में जो अचीवमेंट है फिल्म मेकर्स का वो काफी अच्छे लेवल तक हुआ है, उन्होंने कोशिश की है कि वो हॉलीवुड को टक्कर दे सकें VFX के मामले में, मैं तो यही कहूंगा। अब देखिए अलग अलग व्यूज हो सकते हैं सभी के, आपका व्यूज कुछ अलग होगा, अपने व्यूज भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, बट मेरा तो यही व्यू है कि इस फिल्म में जो VFX का लेवल है वो काफी अप किया गया है, लेकिन बस कमी जो रही है वो रही है अच्छी राइटिंग की। राइटिंग कंसेप्ट इसमें अच्छा है, काफी प्लॉट काफी अच्छा है, जिसको कहेंगे कि प्लॉट काफी अच्छा है, लेकिन स्क्रीन प्ले में कुछ और ऐड किया जा सकता था जिससे कि ये फिल्म कुछ और मजेदार बन सकती थी, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसमें ऐसा हो सकता था कि जो फाइटिंग है वो इतनी आसान ना होती जैसा कि इसमें रखा गया है। आपको अगर मैं बताऊं तो इस फिल्म में होता क्या है बेसिकली कि जो शाहरुख खान है, शाहरुख खान का जो पहला कैरेक्टर है जो कि एक गेम डेवलपर है, वो एक गेम बनाता है और वो जो गेम है वो काफी ज्यादा मेहनत से अपने बच्चे को गिफ्ट करने के लिए बनाता है, और लेकिन उसके जो बच्चे की इच्छा होती है वो ये होती है कि वो एक ऐसा गेम बनाए जिसमें जो विलन है वो काफी ताकतवर हो, वो हीरो से भी ज्यादा ताकतवर हो, ये उसकी इच्छा होती है। इसलिए जो शाहरुख खान है वो काफी अच्छे लेवल का विलन यहाँ पर तैयार करते हैं इन कंपैरिजन टू हीरो, तो इस कारण से जिससे कि वो उस अपने बच्चे को इम्प्रेस कर पाए या उसको खुश कर पाए, क्योंकि जो उनका लड़का होता है वो उसको इज्जत नहीं देता, मतलब शाहरुख खान को इतनी इज्जत नहीं देता, ना ही उनको कुछ मानता है, तो इसके कारण से वो उसकी नजरों में अच्छा बनना चाहते हैं, इसी कारण से वो विलन को काफी ताकतवर बनाते हैं और हीरो को कहीं ना कहीं थोड़ा सा लो बनाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे कि जो फाइट है वो काफी टक्कर की हो जाए, यानी कि एक तरफा मुकाबला फिर भी ना हो। जो हीरो है वो बिल्कुल ही कमजोर नहीं बनाया उन्होंने, हाँ कुछ पावर्स के मामले में कमजोर बना देते हैं, फिर होता ये है कि एक दिन कुछ वहां पर उनके स्टूडियो में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आता है जिसके कारण से जो
क्योंकि वहां पर लूसीफर गेम खेलता रहता है, वो जो लूसीफर है उसका नाम, जो वो लड़का है शाहरुख खान का, तो जो लूसीफर है वो गेम खेलता रहता है, उस गेम से वो बाहर, उस गेम को खेलते खेलते वो जो है चला जाता है, वो गेम अधूरा छोड़ के चला जाता है, उसी चक्कर में कोई फॉल्ट होता है उसी टाइम पे, और वहां से जो रावण है, गेम से जो रावण है वो बाहर आ जाता है, यानी कि विलन जो है वो बाहर आ जाता है, वो चाहता है कि मैं लूसीफर को मार दूं। लूसीफर को मारने के चक्कर में वो इधर उधर ढूंढता है, जो वहां पर स्टूडियो में मौजूद लोग होते हैं, गेम डेवलपर्स होते हैं, उनको भी, एक दो को उनको भी मार देता है, फिर बाद में आकर शाहरुख खान को भी मार देता है, उसके लूसीफर के पापा को भी वो मार देता है। तो इस कारण से जैसे ये जो कहानी है वो चलती रहती है, फिर जीवन की एंट्री होती है, जीवन फिर गेम से बाहर आता है, क्योंकि जो रावण है वो भी बाहर आ चुका है और वो तबाही मचा रहा है, जीवन का काम ही है कि उसको रोके, तो इसलिए गेम के अकॉर्डिंग, गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग वो बाहर आ जाता है। और कमाल की बात यह है कि रियल वर्ल्ड में भी जो गेम वाला जो रूल है, जो गेम्स के रूल है वो चलते रहते हैं, जो रूल्स गेम के अंदर बनाए गए थे वही रूल्स यहाँ पर भी बाहर भी फॉलो होते हैं। दैट मीन्स कि जीवन के पास कितनी ताकत होगी वो सब कुछ, जीवन कैसा बिहेव करेगा वो सब कुछ, वो सब यहाँ पर फॉलो होता है। साथ ही साथ जो रावण का बिहेवियर है वो भी वही यहाँ पे फॉलो होता है, जैसे कि रावण जो है अपना रूप बदल लेता है, और क्योंकि रावण रूप बदल लेता है इसी कारण से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी छवि संजय दत्त की भी और प्रियंका चोपड़े की भी, तो ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। लास्ट में क्या होता है कि लास्ट में कुछ फाइटिंग सीन होते हैं, कुछ बीच बीच में ढूंढते रहता है रावण, ढूंढता रहता है जीवन को भी और लूसीफर को भी, लूसीफर को मारने की कोशिश करता है, बाद में फाइट होती है रावण और जीवन के बीच में, और उसमें लूसीफर जो है कंट्रोल करता है जीवन को, क्योंकि गेम का एक रूल होता है कि जो जीवन है उसको कंट्रोल करने के लिए एक सूट पहनना होगा और तब गेम खेलेगा, जो भी खेलने वाला होगा, जो भी यूजर होगा जो गेम खेलता है वो उसको तभी खेल पाएगा। तो ऐसा कुछ सीन होता है लास्ट में जो है कुछ भी एक करके जो है लूसीफर वो जीत जाता है और कहानी एंड हो जाती है। लेकिन लास्ट में एक सीन दिखाया गया है कि लूसीफर जो है हार्ट, जो जीवन का हार्ट था, क्योंकि वो टेक्निकल एक रोबोट है, टेक्निकली एक रोबोट था जो जीवन है, तो उसका जो हार्ट था, एक मान लीजिए कि एक तरीके से सीपीयू था, तो उस सीपीयू को, जैसे कि आयरन मैन में वो एक बीच में होता है ना मिडल में आर्क रिएक्टर, ऐसे ही सेम वहां पर भी था, तो हार्ट को रिवाइव करने की वो कोशिश करता है और वो एट लास्ट रिवाइव भी कर लेता है, जो कि सेकंड पार्ट के लिए छोड़ा गया है मेरे हिसाब से बाय द डायरेक्टर, बट शायद सेकंड पार्ट आपको ना ही देखने को मिले। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे रावण फिल्म के बारे में, और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि अगर आपको ऐसी ही फिल्मों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो चाहिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको जानने हैं, इनकी कमाई के बारे में जानना है और ये जानना है कि इस फिल्म में क्या नया है और क्या पुराना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। रावण एक 2011 की भारतीय सुपर हीरो फिल्म है, जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी और निर्देशित की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं और एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन सुपर हीरो के रूप में हैं। यहाँ पर दो कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे शाहरुख खान के, एक तो कैरेक्टर होगा जो कि कोई गेम डेवलपर है, उसका रोल निभा रहे हैं यहाँ पर शाहरुख खान, और एक होगा जीवन जो कि हमारे यहाँ पर मेन सुपर हीरो हैं इस फिल्म में। फिल्म में रावण के रूप में है अर्जुन रामपाल और फिल्म में करीना कपूर और अरमान वर्मा भी हैं। या साथ ही साथ आपको इस फिल्म में छोटी सी झलक चिट्ठी की भी देखने को मिलेगी। चिट्ठी द रोबो याद तो होगा ही आप लोगों को, वो भी आपको यहाँ पर इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं। रजनीकांत का ये छोटा सा ही रोल है जो इस फिल्म में लिया गया है, उनका कोई कैरेक्टर यहाँ पर नहीं बनाया गया, बस एक छोटी सी झलक उनकी आपको इसमें देखने को मिलेगी, छोटी सी थोड़ी सी देर के लिए वो यहाँ पर इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे। शहना गोस्वामी, दलीप तहिल और चीनी अमेरिका अभिनेता टॉम वू समर्थन भूमिका में दिखाई देते हैं।
रजनीकांत, संजय दत्त और प्रियंका चोपड़ा अतिथि भूमिका में दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको संजय दत्त और प्रियंका चोपड़ा, ये दोनों ही जो कैरेक्टर हैं, और साथ ही साथ रजनीकांत, इन तीनों का ही जो कैरेक्टर है वो आपको थोड़ी देर के लिए देखने को मिलेगा। बस ये कहानी का ऐसे समझ सकते हैं कि एक छोटा सा पार्ट है। जैसे जैसे हम कहानी में आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कहां पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन हाँ, उनका कोई मेन कैरेक्टर नहीं है या फिर सपोर्टिव कैरेक्टर यहाँ पर कोई प्ले नहीं किया है उन्होंने ऑफिशियली, वो सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करें इस फिल्म के निर्देशक की, यानी कि डायरेक्टर, तो वो है अनुभव सिन्हा, और यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है वो है गौरी खान। अब ये पॉइंट टू बी नोटेड है, क्योंकि यहाँ पर गौरी खान ने इसको प्रोड्यूस किया है, दैट मीन्स ये शाहरुख खान से ही रिलेटेड मूवी है, या फिर आप कह सकते हैं कि शाहरुख खान ने ही इस मूवी को बनाया है, ऑफिशियली नहीं लेकिन अनऑफिशियली तो बनाया ही है। अगर बात करें इसके लेखक की, तो अनुभव सिन्हा ने ही इस फिल्म को लिखा भी है, यानी कि राइटिंग भी इन्होंने ही की है। लेकिन अगर बात करें इसके स्क्रीन प्ले की, पटकथा जो लिखी गई है, यानी कि डायलॉग बाय डायलॉग, अब देखिए यहाँ पर जो लेखन है वो है सिर्फ कि कहानी कैसी होने वाली है, स्टार्ट कैसा होगा, एंड कैसा होगा, बीच में क्या होने वाला है, यानी कि मोटी मोटी जो बातें हैं वो तो सब अनुभव सिन्हा ने अकेले ही डिसाइड कर ली। लेकिन जो पटकथा है, स्क्रीन प्ले है, यानी कि डायलॉग किसका कैसा होगा, किस सीन में क्या होने वाला है, वो सब जो है एकदम डिटेल में जो भी लिखा जाता है फिल्म के लिए, वो सब जो लिखा गया है वो लिखा गया है अनुभव सिन्हा, साथ ही साथ कनिका ढिल्लो और मुश्ताक शेख और डेविड बेनुला, इन चारों ने इसको मिलाकर, मतलब इन चारों ने मिलकर इस फिल्म की जो स्क्रीन प्ले है उसको लिखा है। अब इस फिल्म में अभिनेता, जैसे कि मैंने आपको बताया, शाहरुख खान, करीना कपूर, अर्जुन रामपाल, अरमान वर्मा, सहाना गोस्वामी और टॉम वू हैं। अगर बात करें इस फिल्म में संगीत किसने लिखा है, संगीत किसने दिया है, तो वो हैं विशाल एंड शिखर, दोनों ने, ये दोनों अलग अलग हैं। एंड अगर बात करें छायाकार की, तो निकोला पेकोरिनी और वी मणिकंदन, ये यहाँ पर छायाकार हैं, और बाकी तो सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता ही होगी। अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे पर कि इस फिल्म का टोटल बजट कितना था, कितने बजट में आखिरकार ये फिल्म बनाई गई। क्योंकि अगर आप देखेंगे इस फिल्म को, तो इस फिल्म में आपको एकदम एक्शन भरपूर मिलने वाला है। साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भारत की जो फिल्में हैं उसमें भी विजुअल इफेक्ट्स, VFX क्या गजब का यूज हो सकता है। और इन माई व्यूज की ये जो फिल्म है ना, वो काफी दमदार है। हाँ, थोड़ी बहुत जो है इसमें और मसाला ऐड किया जा सकता था, थोड़ी और कहानी इसमें ऐड की जा सकती थी, थोड़ा और पेचीदा इसको बनाया जा सकता था, लेकिन बस उसी की कमी रही है। अदरवाइज सब कुछ अच्छा मुझे इसमें लगा, कि इसमें जितना भी VFX वाला काम है, जितने भी विजुअल इफेक्ट्स हैं, वो एकदम धासु हैं, जिसको कहते हैं ना, एकदम धासु लेवल के इसमें VFX डाले गए हैं। साथ ही साथ इसमें जो भी डिजाइनिंग की गई है, कॉस्ट्यूम से लेकर एनवायरमेंट की, क्योंकि गेमिंग, यहाँ पर आपको गेमिंग वाला जो एनवायरमेंट है वो देखने को मिलेगा जब गेम डेवलप होता है, वो वाला एनवायरमेंट भी, और क्योंकि बाद में जो है सब कुछ जो चलता है वो गेम के इर्द गिर्द ही चलता है, और लास्ट में जो एंडिंग होती है वो भी गेम में ही होती है, या आप कह सकते हैं कि गेम से रिलेशन है उसका भी, कहानी में हम इसकी बात करेंगे, तो वहां पर भी जो एनवायरमेंट है वो डिजाइन किया गया है एक बेहतरीन लेवल तक, मतलब एक नेक्स्ट लेवल, जो उसमें लिखा है ना इसके पोस्टर में द नेक्स्ट लेवल, तो वही नेक्स्ट लेवल इसमें दिखाया भी गया है, तो काफी अच्छा काम किया गया है। तो इस चीज को देखते हुए इसमें 130 से लेकर 150 करोड़ तक का बजट आया था, एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि काउंट नहीं हो सकती, कुछ ऐसे काम होते हैं इसमें जैसे कि आप समझ सकते हैं कि छोटे मोटे जो काम होते हैं जो कि काउंट नहीं होते बजट में, और वो खर्च भी हो जाते हैं प्रोड्यूसर के, तो एक अंदाजा ही लगाया जाता है, कुछ चीजों का हिसाब होता है इनके पास कि कितना इन्होंने खर्च किया था। तो 130 से 150 करोड़ तक का इनका जो बजट था वो आया था इस फिल्म में, लागत इसमें आई थी। और अगर बात करें इसके कुल कारोबार की, तो इसने 200 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो फिल्म है ना, इस फिल्म ने जो मतलब पूरे पूरे वर्ल्ड में जो रिलीज होती हैं बॉलीवुड मूवीज, उन मूवीज में
इस फिल्म का जो नाम है वो सेकंड नंबर पे था, यानी कि इसने काफी अच्छा जो है रेस्पॉन्स कमाया था वर्ल्ड वाइड भी। बट एक कहीं ना कहीं ड्रॉबैक इस फिल्म का ये रहा कि इसमें जो है जो कमाई की जा सकती थी, इससे कमाई करने की उम्मीद की गई थी, वो शायद यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि जो इसमें प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर को सिर्फ कितना फायदा हुआ आप देख सकते हैं, 150 करोड़ का उसमें बजट आ गया और 200 से ऊपर की ही इसने कमाई की, यानी कि लगभग 50 से 60 करोड़ का ही इसमें इन्होंने प्रॉफिट कमाया है। और जो स्पॉन्सर्स हैं उनको काफी नुकसान रहा, कुछ स्पॉन्सर्स का अलग होता है कॉन्ट्रैक्ट की अगर इतने करोड़ से ऊपर जाएगी तो, मतलब अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो कुछ स्पॉन्सर्स का जो है इसमें नुकसान रहा है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो 200 करोड़ से ऊपर इसने कमाई की है, दैट मीन्स कि इसमें कुछ ना कुछ तो दम था। बट हाँ, उतना लेवल तक ये नहीं बना पाए जैसे कि मैंने कहा कि इसमें मसाला ऐड किया जा सकता था, जैसे कि आप देखते हैं हॉलीवुड मूवीज में लाइक एवेंजर्स, तो उसमें मतलब वो वैसे तो वो काफी हाई लेवल की मूवीज है इसके मुकाबले, बट अगर देखा जाए तो उसमें काफी मसाला होता है, मतलब एक एक सीन को पकड़ते हैं कि हाँ यार इस सीन से क्या निकल के आ सकता है, दैट मीन्स कि वो